सलाम, अलैकुम। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्लाह करम। अच्छा जी, हाँ शुरू देखिए करें भाई, आपका सेशन जी। हम फेसबुक पे लाइव आ चुके हैं। जी हम बिल्कुल लाइव आ चुके हैं और स्टूडेंट्स को हमारी आवाज भी आ रही है एंड दे हैव स्टार्टेड कमेंटिंग एज वेल। थैंक परफेक्ट यू, परफेक्ट। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। माय नेम इज मोहम्मद सलमान गफार एंड आई एम वन ऑफ द लीड इंस्ट्रक्टर्स ऑफ द आईबीए टेस्ट प्रेप एट एनीस हुसैन। एंड इन फैक्ट आई एम आल्सो द CEO of the organization, and with me is my brother Irfan, who is the director in the organization, and we shall be talking to you today about IBA's admission tests, their various requirements, and the advantages that you will have by going into IBA, inshallah. हमने सोचा कि मैं और इरफान साथ मिलकर ये प्रेजेंटेशन करते हैं ताकि हम इसको एक डिस्कशन फॉर्मेट में ज्यादा करें और साथ में हम आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ भी बता सकें कि हमारा एक्सपीरियंस आईबीए में कैसा रहा और इतने सालों से जो हम आईबीए की टेस्ट की तैयारी कराते हैं उसमें हमने क्या चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, कहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं। सो हम दोनों साथ इस डिस्कशन को लेकर चलेंगे। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि दिस शुड बी अबाउट हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स, होपफुली नॉट लॉन्गर देन दैट। We want to keep it short and simple, and you guys are welcome to keep asking your questions. I have a window open on my right side where I can see your comments as well, and I will try to make sure that I'm answering all your questions along the way as well. If there are certain questions that I believe ki jo slides mein aage jaake answer ho jayenge, so I'll just tell you to hold on and wait for those. But if there's a question that I think is important needs to be answered there and then, we'll try to answer there and then as well. ठीक है जी, इरफान आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, आई होप। ऑल क्लियर ऑल क्लियर। एक्सलेंट एक्सलेंट, शुरू करते हैं भाई। सो दिस इज मी, माय नेम इज मोहम्मद सलमान गफार। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम आई बी ए इन 99 विद एन एमबीए विद अ फोकस इन फाइनेंस। आई वाज ऑलवेज अ नंबर्स गाय, आई एंजॉयड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अ लॉट एंड दैट वाज माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। आई स्टार्टेड टीचिंग एट अ वेरी यंग एज इन द ईयर 1995 व्हिच इज व्हेन आई वाज अप्लाइंग फॉर आईबीए। सो माय मैथ वाज गुड, सो आई स्टार्टेड टीचिंग एंड उस वक्त से लेकर मैं अब तक अनीस हुसैन साहब के साथ हमेशा से रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हूँ। एंड उसके अलावा आई वर्क एट प्रॉक्टर एंड गैम्बल, आई वर्क एट हबीब बैंक। दिस इज माई करियर जो मैंने ग्रेजुएट होने के बाद शुरू किया था, बट इन अबाउट 3 years लेटर आफ्टर आई ग्रेजुएटेड आई डिसाइड टू बिकम अ फुल टाइम फैकल्टी मेंबर एट अनीस हुसैन एंड मेक अ करियर इन टीचिंग। सो अल्हम्दुलिल्लाह दैट हैज बिन माई करियर। दिस इज इरफान। इरफान, व्हाई डोंट यू टेल देम अबाउट योरसेल्फ? I did my O levels back in the year 98 and A levels in 2000, and that's when I started teaching. So Alhamdulillah, it's been a 23-year journey since then. Immediately after my A levels, I started teaching at Anees Hussain, and I started preparing students for the IB admissions test, for the LUMS admissions test, for the SAT and the GMAT and the GRE. I've also done my bachelor's and master's from IBA. I was a marketing major. After graduating from IBA, I worked in the corporate sector briefly. I worked for PSO and I worked for Habib Bank in the corporate banking division. And throughout my student life at IBA and throughout my corporate career, I was teaching part-time. I was teaching part-time in the evenings, on the weekends, 4 to 5 days a week. And in the year 2006, I eventually quit my job to join Anees Hussain full time. And since then, I've been a director at the organization. My focus has been on expanding the organization and making sure that students get the same quality at all of our campuses. Thank you so much. आज क्वेश्चन का मैं छोटा सा एक ओवरव्यू दे दूं। एक मेन मकसद ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे रीच आउट किया था, और उनके वेरियस कंसर्न्स थे कि आईबीए के एडमिशन प्रोसेस किस तरह का होता है, टेस्ट में क्या आता है, क्या वो सैट से सिमिलर है या नहीं है, क्या स्टूडेंट को सैट का टेस्ट देना चाहिए, क्या उसको आईबीए का टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, अगर कोई स्टूडेंट आईबीए में जाना अफोर्ड नहीं कर सकता तो क्या स्कॉलरशिप ऑप्शन उसके पास अवेलेबल हैं। सो वी ट्राइड टू पुट ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस टुगेदर इन टुडेज इंफॉर्मेशन सेशन एंड वी विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज एज वी गो अलोंग। थैंक यू इरफान फॉर योर इंट्रोडक्शन। So as you can see, like older brother, like younger brother, इरफान जो है वो मुझे फॉलो करते रहे हैं, स्कूल में भी फॉलो करते रहे हैं और यूनिवर्सिटी में भी फॉलो करते रहे हैं, और इनके बाद नुमान है उन्होंने भी फॉलो किया अल्हम्दुलिल्लाह, और रियान उन्होंने भी फॉलो किया। चले जी,
बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अच्छा, लेट्स स्टार्ट ऑफ बिजनेस एजुकेशन के बेनिफिट्स के ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन, नॉट टू लॉन्ग। क्या पाकिस्तान में बिजनेस एजुकेशन का जो करियर है उसमें क्या आपको फवायद मिलते हैं? जो पहली चीज है वो ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बिजनेस डिग्री के मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। बिजनेस आपको मालूम है पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर फील्ड है और आपको अक्रॉस ऑल सेक्टर्स अच्छे करियर ऑप्शंस मिलते हैं, टॉप लीडरशिप पोजीशंस ओपन हो जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर आपका फैमिली बिजनेस है आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए बिजनेस एजुकेशन बहुत यूजफुल है। अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, सो फॉर एग्जाम्पल मेरा जो था वो बिजनेस का ज्यादा इंटरेस्ट था, रुझान था। माय फादर वॉज इन टू बिजनेस, सो आई ऑलवेज सॉ हिम डूइंग बिजनेस एंड आई फेल्ट मोटिवेटेड टू डू समथिंग ऑन माई ओन एज वेल। सो दिस वॉज द रीजन वाई आई वेंट इन टू बिजनेस एजुकेशन। सो पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है और फिर फाइनेंशियल परस्पेक्टिव भी है। हमारे यहाँ जो बिजनेस करियर्स हैं उनकी सैलरी पैकेजेस अच्छे होते हैं, करियर ग्रोथ अच्छी होती है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि बहुत सारे आईपीए ग्रेजुएट्स और टॉप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स जो हैं वो इवेंचुअली बाहर जाके भी एक अच्छा करियर बिल्ड करते हैं और सक्सेसफुल करियर्स बिल्ड करते हैं। मिडिल ईस्ट में आपको बहुत पाकिस्तानी आईपीए ग्रेजुएट्स मिलेंगे, लमसम ग्रेजुएट्स मिलेंगे जिन्होंने जाके एक अच्छा करियर बिल्ड किया हुआ है। मेरे बहुत सारे क्लास फेलोज इस वक्त जो हैं वो मिडिल ईस्ट में हैं, नॉर्थ अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, and they're doing really really well. So it's an excellent career in terms of, aaj bhi log mujhse poochte hain ki sir is it you know it's a good career, I mean it's a brilliant career. Business aapko malum hai, it's something that's popular throughout the world, so there's no reason why it should not remain popular. So therefore there are a lot of benefits, chahe aap undergrad mein apply kar rahe ho, chahe aap masters mein apply kar rahe ho. Ek bada common sawal ye bhi hota hai ki ji kya hum BBA karein ya hum koi BS karein aur uske baad mein fir hum MBA karein. वो आपकी अपनी प्रेफरेंस होती है। आई डू अग्री कि बीबीए काफी जनरल प्रोग्राम है। अगर आप बीएस करते हैं लाइक अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या इकोनॉमिक्स, तो हो सकता है अगर आपको उस पर्टिकुलर फील्ड का ज्यादा शौक है तो आप उस फील्ड में पहले बैचलर्स करें, अंडरग्रेड करें और फिर आप एमबीए कर लें। बट ऑन द फ्लिप साइड बीबीए के अंदर जो आपको वेल राउंडेड अप्रोच मिलती है वो आपको बीएस में नहीं मिलेगी। आप जिस पर्टिकुलर करियर में जाएंगे, अकाउंटिंग फाइनेंस हो गया या इकोनॉमिक्स हो गया, उसमें आप फिक्स्ड हो जाएंगे। सो देर आर प्रोज एंड कॉन्स टू बोथ। आई बिलीव अप्लाई करने के बारे में जब सोचें तो इसको थोड़ा सा कंसिडर कर लें और आईबीए की वेबसाइट पर रिव्यू कर लें जो कोर्सेज हैं उसमें आपको क्या इंटरेस्टिंग लगता है। इरफान, आपका क्या ख्याल इस बारे में, बीएस ज्यादा बेहतर रहेगा या अंडरग्रेड में बीबीए बेहतर रहेगा? एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, वो ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रेगुलर बेसिस पे ये कहते हैं कि भाई हम ये सुन रहे हैं कि बिजनेस डिग्री में सैचुरेशन बहुत हो गई है। तो चूंकि हमारी मार्केट साइज बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है तो ऑब्वियसली हर फील्ड में आपको सैचुरेशन मिल सकती है। बट अगर आप बिजनेस डिग्री या जो भी डिग्री आपको इंटरेस्ट करती है वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हैं तो उसकी मार्केट डिमांड हमेशा रहेगी। एंड डेफिनेटली आईबीए की मार्केट वैल्यू बहुत स्ट्रांग है। सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि जी अगर आप बिजनेस डिग्री करना चाहते हैं तो यू अप्लाई टू द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस जो आपके सामने हैं। जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा इंशाल्लाह आपके करियर ग्रोथ के चांसेस उतने बेहतर हैं। बाकी जो आपका क्वेश्चन था विथ रिगार्ड्स टू बीबीए एंड अकाउंटिंग फाइनेंस, अगर स्टूडेंट्स ने ये डिसाइड किया हुआ है कि हमें एक पर्टिकुलर एरिया में मेजर करना है, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग साइड पे जाना है, फाइनेंस साइड पे जाना है, या आगे जाके हमें एसीसी या सीए परसू करना है, तो फिर उनके लिए अकाउंटिंग फाइनेंस का रूट बेहतर है। बट अगर स्टूडेंट्स ने मार्केटिंग साइड पे जाना है या सेल्स साइड पे जाना है या एचआर के साइड पे जाना है तो उस केस में डेफिनेटली बीबीए डिग्री बेहतर है। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स तो बीबीए भी फाइनेंस मेजर कर लेते हैं जैसे कि आपने। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और स्पेशली अगर आप अनश्योर हैं कि आपने इवेंचुअली करना क्या है या आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा फ्लेवर मिले, आप चूज कर सकें कि आपको मार्केटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट होगा या फाइनेंस में होगा। अगर आपका इतना एक्सपोजर नहीं है तो फिर आई थिंक बीबीए मेक्स मोर सेंस, ताकि एटलीस्ट आप जाएं तो आपके पास ऑप्शन तो हो, वरना बाद में अगर आप अकाउंटिंग फाइनेंस में गए और अगर आपको मजा नहीं आ रहा तो आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा स्विच करना टू बीबीए। ऐसा ही है। आई एग्री। अच्छा मैं फेसबुक पे नोटिस कर रहा हूँ कि मेरी कैमरा फीड नहीं आ रही, तो आपके पास भी ये प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं, जब आप बात करना शुरू करते हैं तो आपकी फीड आ जाती है, जब मैं बात करना शुरू करता हूँ तो मेरी फीड आ जाती है। ऑलराइट, इट्स चूजिंग द स्पीकर, राइट, ओके जी, लेट्स मूव ऑन। तो अच्छा जी, आईबीए का एडवांटेज क्या है? अच्छा जी, इस बारे में तो कोई दो राय नहीं है। आईबीए इज वन ऑफ द टॉप बिजनेस स्कूल्स इन पाकिस्तान। लम्स और आईबीए दोनों का कंपटीशन रहता है कि जी नंबर वन पे कौन है।
और मैं क्योंकि आईबी ग्रेजुएट हूं तो मेरा एक आईबी की तरफ बायस है, बट ऑब्वियसली लम्स इज आल्सो वेरी गुड. बट लेट्स टॉक अबाउट आईबी राइट नाउ. सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिजनेस स्कूल्स इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, एंड द ओल्डेस्ट बिजनेस स्कूल इन पाकिस्तान, वो सेट अप इन 1955. और लीडिंग अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने हेल्प किया था, असिस्टेंस प्रोवाइड की थी. इसमें वॉर्टन का नाम आता है, आईबी की वेबसाइट मौजूद है, जिन्होंने हेल्प किया था पाकिस्तान में आईबी को सेटअप करने में. फैकल्टी बहुत स्ट्रांग है, एलमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है आईबीए में. वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कैंपसेस इन पाकिस्तान, बोथ द सिटी कैंपस एंड द यूनिवर्सिटी कैंपस. और आपको काफ़ी अमेजिंग किस्म की बिल्डिंग्स और फैसिलिटीज मिलती हैं वहाँ पे. और इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर्स बहुत अच्छे हैं, और हाई मार्केट वैल्यू है आईबी ग्रेजुएट्स की. यहाँ पे एक सवाल मुझसे पूछा गया है स्टूडेंट से कि सर कंप्यूटर साइंस के बारे में भी जिक्र जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जरूर बताएंगे. कंप्यूटर साइंस आईबीए का बाय द वे इज एक्सलेंट. इनफैक्ट मैंने रिसेंटली फीडबैक भी लिया है इंडस्ट्री के लोगों से, और उसमें वो कहते हैं कि जी आईबीए, हबीब और फास्ट, ये तीन यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसके इस वक्त टॉप जा रहे हैं कराची से एटलीस्ट ग्रेजुएट्स फॉर कंप्यूटर साइंस. सो अगर आपका मूड है कंप्यूटर साइंस की तरफ जाने का तो आईबीए इज एन एक्सलेंट सोर्स, उसको जरूर कंसिडर कीजिएगा. ठीक है जी. अच्छा, अब ये हमारे प्लस पॉइंट्स हैं आईबीए के बारे में. इरफान, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे? आईबीए के बारे में बस एक तो रेगुलर एडवांटेजेस हर यूनिवर्सिटी के होते हैं कि जी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है या फैकल्टी नेटवर्क बहुत अच्छा है, बट आईबीए का एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज ये है कि आईबीए का अलमनाई नेटवर्क, क्योंकि आईबीए इतना पुराना इदारा है, इट्स बिन ऑपरेटिंग फॉर द पास्ट 70 ईयर्स ऑलमोस्ट, तो आईबीए का एब्सोल्युटली अलमनाई नेटवर्क बहुत वेल सेटल्ड है पाकिस्तान में एंड जैसे कि सलमान भाई ने मैंशन किया इंटरनेशनली मिडल ईस्ट के अंदर और नॉर्थ अमेरिका में तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मिलती है आईबीए ग्रेजुएट्स की। तो इनफैक्ट इफ अभी यू रिसेंटली डायरेक्टर साहब आए हुए भी थे यहाँ पे, कनाडा आए हुए थे, और एलुमनाई इवेंट था लास्ट वीक, और उस पर आके इन्होंने मुलाकात की. इनफैक्ट ही इज डूइंग अ नॉर्थ अमेरिकन टूर राइट नाउ, मीटिंग द एलुमनाई इन यूएस एंड कनाडा एज वेल राइट नाउ. वेरी गुड वेरी गुड। तो आई बी ए के अलमनाई नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि जब आप उस डिग्री के साथ मार्केट में जाते हैं तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है एंड पीपल आर विलिंग टू गिव यू अ चांस, आपको इंटरव्यू में एटलीस्ट बुलाया जाता है टू प्रूव योरसेल्फ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जी. एक सवाल आ रहा है कि सीवीएम के बारे में जरूर बताइएगा. आज का सेशन हमने आईबीए की तरफ डेडिकेट किया हुआ है, बट हम आपको एंड में इंशाल्लाह एक सीवीएम के बारे में ओवरव्यू दे देंगे आपको. और उसके अलावा लोग सवाल अब स्पेसिफिक पूछ रहे हैं जी, कंप्यूटर साइंस करें या सॉफ्टवेयर करें. मैं आप सबके जवाब इंशाल्लाह दे दूंगा, और जो नहीं दे सकूंगा मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे दूंगा, मुझे ईमेल कर दीजिएगा, एंड वी कैन हैव अ कॉन्वर्जेशन अबाउट योर स्पेसिफिक सिचुएशन एज वेल. अच्छा जी, ये आईबीए के बारे में बात हो, आईबीए के फेमस एलुमनाई के बारे में बात ना हो ये पॉसिबल नहीं है. तो कुछ ये कुछ चंद जो एक स्लाइड पे फिट आ सकते थे, ये वो लोग हैं जो कि आईबीए के टॉप ग्रेजुएट्स हैं. ये यकीन मानिए बहुत ज्यादा हैं, एक स्लाइड पे डालने थे तो बहुत मुश्किल से चूज करना पड़ा. असद उमर साहब, आप मशहूर जमाना माशाल्लाह, वेरी फेमस पॉलिटिशियन, एक्स सीईओ ऑफ एंग्रो. आमिर पराचा साहब, यूनिलीवर. फयाज खान साहब मुझसे 1 साल सीनियर थे, आईबीएम में 98 के ग्रेजुएट हैं, सीईओ हैं एंग्रो के. फाद हारून साहब जीएसके के हैं. हसन फराज मेरे बहुत से दोस्त हैं, इनके बड़े भाई तो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं. ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मर्स्क पाकिस्तान. देन साबिर समीन नरबीन वाज अगेन अ कपल ऑफ इयर्स सीनियर टू मी. शी इज मॉन्टेलीज में हैं, सिंगापुर में होती हैं. साबिर समीन केएफसी के डिवीजन सीईओ हैं. काशान अगेन अ ईयर जूनियर टू मी, सीईओ ऑफ रैकेट माशाल्लाह. सो दीज आर ऑल पीपल हु हैव डन रियली वेल, एंड दैट शोज यू के आईबीए जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है. राइट, हमें बताने की जरूरत नहीं, बट हमने कहा चले एक स्लाइड डाल दें, आपको दिखा दें जी वो मशहूर लोग जो कि आईबीए ग्रेजुएट्स हैं. और इसके अलावा मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स हैं जो कि बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस में, बट मैं जानबूझकर कहीं डाला, बिकॉज मैं डालता तो लोग कहते हैं जी आप जो है ना वो बायस दिखा रहे हैं, तो मैंने जो है ना उनको साइड पे कर दिया. बट दे ऑल्सो डूइंग रियली रियली वेल, सो एक्सलेंट ग्रेजुएट्स ऑल ओवर. अच्छा जी, सो दिस टेल्स यू के आईबीए के ग्रेजुएट्स माशाल्लाह अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं दुनिया भर में. अब मेन अंडरग्रेड प्रोग्राम्स कौन से हैं जी? अच्छा, सवाल यहाँ पे आ रहा है कि जी क्या प्री इंजीनियरिंग के या प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स जा सकते हैं आईबीए? बिल्कुल जा सकते हैं जी, इसमें कोई मसला नहीं है, आप शौक से जाएं. बहुत सारे लोग प्री इंजीनियरिंग के बाद आईबीए की तरफ जाते हैं, बहुत सारे लोग प्री मेडिकल के बाद आईबीए की तरफ जाते हैं. सो ये हमारे आईबीए के अंडरग्रेड प्रोग्राम्स हैं.
सात प्रोग्राम्स हैं, और बाय द वे आईबीए और प्रोग्राम्स इनमें ऐड करने वाले हैं, ये अंदर की खबर है। और सुना है कि इंशाल्लाह लॉ प्रोग्राम भी आने वाला है आईबीए के अंदर, बट डोंट टेल एनीबॉडी। अच्छा जी, तो सून वो भी आने वाला है। अच्छा, बट ये प्रोग्राम्स हैं जो भी नजर आ रहे हैं इस वक्त आईबीए के प्रोफाइल पे, इसमें हमारा बीबीए जो बड़ा पुराना प्रोग्राम है, सबसे पुराना अंडरग्रेड प्रोग्राम आईबीए का बीबीए का है। लम्स बाय द वे बीबीए ऑफर नहीं करता, आईबीए ऑफर करता है। उसके अलावा बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस सोशल साइंसेज, बीएस इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, बीएस कंप्यूटर साइंस एंड बीएस मैथमेटिक्स। इनको हमने दो हिस्सों में इसलिए डिवाइड किया हुआ है बिकॉज ये जो लेफ्ट साइड पे लिस्ट है चार प्रोग्राम्स की, इनका एडमिशन टेस्ट एक साथ होता है, और जो राइट साइड पे लिस्ट है तीन प्रोग्राम्स की, इनका जो एडमिशन टेस्ट है ये साथ में होता है। तो ये दो टेस्ट अलग अलग होते हैं। जो जो राइट साइड पे जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर मैथ नेसेसरी होता है, जो लेफ्ट साइड पर प्रोग्राम्स हैं उनके मैथ नेसेसरी एज एन ए लेवल या इंटरमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं होता, बट टेस्ट में जरूर आता है, और टेस्ट में काफी डिफिकल्ट मैथ आती है दोनों साइड पे। सवाल एक आया था जी बहुत मुश्किल है क्या, है मतलब टाइम प्रेशर वगैरह होता है, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इरफान यहाँ पे कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बस इतनी सी बात स्टूडेंट्स को समझना ज़रूरी है कि जो पहला टेस्ट है जो बीबीए, बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस, बीएस इकोनॉमिक्स एंड बीएस सोशल साइंसेज का है, उस टेस्ट के अंदर इंग्लिश का पोर्शन है एंड जनरल मैथ का पोर्शन है। बट जो दूसरा टेस्ट है इकोनॉमिक्स एंड मैथ का, सीएस का और मैथमेटिक्स का, उसमें इंग्लिश का पोर्शन है एंड मैथ का पोर्शन है। उस मैथ के पोर्शन में जनरल मैथ भी है एंड ए लेवल मैथ या एडवांस्ड मैथ भी है। हालांकि कुछ टॉपिक्स हम भी आगे डिस्कस करेंगे वो बीबीए के टेस्ट में भी आते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा उस चीज पे फोकस ज्यादा है, यानी कि इंटरमीडिएट की मैथ फोकस ज्यादा है। एंड ऑब्वियसली इन तीन प्रोग्राम्स के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास इंटरमीडिएट का मैथ या ए लेवल का मैथ होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जी ये बताइए कि अगर हम स्विच करें प्री इंजीनियरिंग से या प्री मेडिकल से तो मसला तो नहीं होगा? जी नहीं, बिल्कुल मसला नहीं होगा। बस अगर आप प्री मेडिकल के हैं तो आपको मैथ की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप बीबीए या अकाउंटिंग फाइनेंस, इकोनॉमिक या सोशल साइंस जाते हैं तो आपको टेस्ट के लिए काम करना पड़ेगा, बिकॉज प्री मेडिकल में लोग मैथ इतना पढ़ते नहीं है तो उसमें उनको मैथ में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। अगर आप ए लेवल्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपने मैथ पढ़ा हुआ है, तो होपफुली आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारे मास्टर्स के प्रोग्राम्स हैं जिसमें एमबीए और इसके अलावा बहुत सारे एमएस के प्रोग्राम्स हैं, आप देख सकते हैं। बट सबसे पॉपुलर जो प्रोग्राम्स हैं इस वक्त वो एमबीए, एमबीए एग्जीक्यूटिव, एमएस इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, और फिर बाकी कुछ प्रोग्राम्स और भी हैं। एमएस फाइनेंस भी है जो कि एक पॉपुलर प्रोग्राम है। तो जो लोग प्रोफेशनल्स हैं और जो अपने करियर के साथ जो है वो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एमबीए एग्जीक्यूटिव का बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा इवनिंग प्रोग्राम इज अ वेरी गुड ऑप्शन, आप एमबीए इवनिंग में कर सकते हैं, और बाकी सारे प्रोग्राम्स आपके सामने मौजूद हैं। आईबीए के मास्टर्स प्रोग्राम्स भी बहुत पॉपुलर हैं और सालाना रेगुलर बेसिस पे कई दफ़ा एडमिशन्स ऑफर होते हैं। और अगर आप एक अपने करियर को बूस्ट लगाना चाहते हैं, आपने बैचलर्स कहीं और से किया हुआ है और साथ साथ मास्टर्स करना चाहते हैं, आईबीए इज एन एक्सेलेंट ऑप्शन टू डू इट फ्रॉम to give your career an extra boost that will be really beneficial. ठीक है जी, so ये masters के programs हो गए हैं जी। अच्छा जी, admissions calendar ये tentative है, अभी IBA ने dates confirm नहीं की हैं। जो test dates हैं वो expected हैं inshallah Feb के second week में bachelors का test expected है, और ये सारी bachelors की programs की बात कर रहे हैं, BBA, Accounting, Finance, Social Science, Economics, ये राउंड वन है, और इसी तरह से राउंड वन कंप्यूटर साइंस, मैथ और इकोनॉमिक्स एंड मैथ का 3 मार्च को राउंड वन एक्सपेक्टेड है। अगेन हमने टेंटेटिव का वर्ड यूज किया है बिकॉज अभी तक कंफर्म डेट्स IBA ने पब्लिश नहीं की हैं, सो वी कैन नॉट बी सर्टन, बट बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस दिस इज द अप्रोक्सीमेट आइडिया। तो अगर आप ये क्लियर कर दें कि राउंड टू में डिफरेंस क्या है। जी प्लीज गो अहेड, आप कर दीजिए। काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो आईबीए ने एक स्टूडेंट को जो अभी इस वक्त करंटली अपना इंटरमीडिएट सेकंड ईयर या ए लेवल सेकंड ईयर कर रहा है, उसको 2 मौके दिए हैं आईबीए का टेस्ट क्लियर करने के। या तो वो फरवरी के दौरान राउंड वन का टेस्ट दे दे, और अगर वो उसको पास कर लेता है और इंटरव्यू पास कर लेता है तो उसका एडमिशन हो जाएगा। अगर वो उस टेस्ट को पास नहीं कर पाता तो उसको एक सेकेंड अटैम्प्ट मिलेगी अपने इंटरमीडिएट एग्जाम्स के बाद जून के एंड में, और अगर वो उस टेस्ट को पास कर लेता है, इंटरव्यू को पास कर लेता है, तो उसके बाद एडमिशन हो जाएगा। सो 2 चांसेस दिए हैं आईबीए ने आपको
फॉर द सेम सेशन सेशन आईबीए का स्टार्ट होगा सितंबर 2023 में 2024 में सॉरी. तो उस सितंबर सेशन के लिए, उस सितंबर इनटेक के लिए आईबीए दो दफा टेस्ट ले रहा है, यानी कि अगर बीबीए प्रोग्राम में 300 सीट्स हैं अप्रॉक्सिमेटली, तो 150 एडमिशंस आईबीए राउंड वन में दे देगा अप्रॉक्सिमेटली, और बाकी 150 एडमिशंस आईबीए राउंड टू में दे देगा. बिल्कुल आपने सही कहा. इनफैक्ट अभी हम डेटा भी लेके आएंगे जिसमें दिखाएंगे कि पिछले 3 सालों में राउंड वन में कितने एडमिशन्स ऑफर हुए हैं, राउंड टू में कितने एडमिशन्स ऑफर हुए हैं. ये सारी अभी हम आपको दिखाएंगे, इंशाल्लाह आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको किस साल कौन सा एडमिशन मिलेगा. दो सवाल यहाँ पे आए हैं जी जो यूजफुल अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं. एक सवाल तो ये है कि क्या मैंने सैट प्रिपरेशन अगर की है तो मेरे लिए राउंड टू के टेस्ट के लिए काफी होगी, और दूसरा सवाल ये है कि क्या आईबीए ओ लेवल ग्रेड्स देखता है या सिर्फ ए लेवल ग्रेड्स देखता है. इन तमाम सवालों के जवाब अभी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट अगर आपने एसएटी की प्रिपरेशन की है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आपके पास एसएटी स्कोर है, और अभी आपको बताऊंगा कि कितना सैट स्कोर आईबीए रिक्वायर करता है, और अगर वो आपका अचीव हो चुका है तो यू माइट एज वेल जस्ट अप्लाई विद दैट. और अगर आपने एसएटी की प्रिपरेशन की है बट स्कोर अच्छा नहीं आया खुदा ना खास्ता, या आपने टेस्ट दिया ही नहीं है, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आप आईबीए के सैंपल पेपर्स ट्राई करके फिर फैसला करें, बिकॉज आईबीए का टेस्ट और सैट टेस्ट में काफी फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है. अभी आपको हम समझा देंगे क्या फर्क है. अच्छा जी, मास्टर्स प्रोग्राम्स के जो टेस्ट डेट्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली ये हैं जी, अप्रैल और मई और जुलाई. ठीक है जी, अप्रैल के सेकेंड वीक में एमबीए और एमएस इकोनॉमिक्स का टेस्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं, और एमबीए एग्जीक्यूटिव का टेस्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं लास्ट वीक ऑफ मई, और उसके अलावा एमएस प्रोग्राम्स के हम टेस्ट एक्सपेक्ट करते हैं अराउंड द मिडिल ऑफ जुलाई इंशाल्लाह. अच्छा जी, यहाँ पे एक सवाल मुझसे दो दफा पूछा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस जरूर कीजिएगा. ठीक है जी, ये क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं, इंशाल्लाह वी कम बैक टू दिस. और एक सवाल यह है कि जी फील्ड्स तो बता दें, कौन सी फील्ड्स लेनी चाहिए आईबीए में. ऐसे जैसे मैं आपको जिक्र किया पहले कि डिपेंड करता है कि आपका शौक और इंटरेस्ट किस में है. अगर किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में है तो उस पर फोकस कर लीजिए, वरना अगर आप श्योर नहीं है तो बीबीए इज एन एक्सलेंट ऑप्शन टू गो फॉर. इनफैक्ट आज भी सबसे पॉपुलर प्रोग्राम आईबीए का बीबीए ही है, हालांकि बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी काफी पॉपुलर है, बट मेरी पर्सनल राय ये है कि अगर आप सर्टन नहीं है तो आप बीबीए की तरफ जाएं, और फिर वहां से स्विच कर लीजिए, आप चूज कर लीजिए कि आपको मार्केटिंग मेजर्स करना है कि फाइनेंस मेजर्स करना है. ठीक है जी, बिल्कुल. अच्छा, अब मैं यहाँ पे इरफान आप प्लीज बता दीजिए कि आईबीए की अंडरग्रेड की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, प्लीज गो अहेड. आप में से जो स्टूडेंट्स ए लेवल बैकग्राउंड के हैं, इफ यू वांट टू अप्लाई टू आईबीए, तो बीबीए प्रोग्राम के लिए आपको 2 B's and 1 C मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और बाकी सारे प्रोग्राम्स के लिए 1 B and 2 C's की मिनिमम रिक्वायरमेंट है. प्लीज कीप इन माइंड कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, एवरेज रिक्वायरमेंट नहीं है. यानी कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके 2 A's and 1 D है तो वो बीबीए प्रोग्राम में नहीं अप्लाई कर सकता, बिकॉज 1 C की मिनिमम रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहा. अच्छा, अगर आप इंटरमीडिएट बैकग्राउंड से तो ये जो प्रॉब्लम आया था कुछ रिजल्ट्स का, इस साल इन्होंने ये एक मार्जिन दे दिया था क्योंकि इस दफा ए लेवल्स के एग्जाम्स डिस्टर्ब हुए थे, बट आप सही कह रहे हैं कि ये एवरेज रिक्वायरमेंट नहीं है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ही रहेगी, इसको एवरेज पे स्विच नहीं करेंगे. यहाँ पे इरफान जो सवाल था कि जी ओ लेवल्स के ग्रेड्स आईबीए देखता है कि नहीं देखता, तो अगर आपका आईबीए टेस्ट जो सुपीरियर वाला जो कट ऑफ है जो आप रीच कर जाते हैं, जहां पे इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, अगर आप उसको कट ऑफ को मीट कर जाते हैं तो इट डजंट मैटर कि आपके ओ लेवल्स में क्या ग्रेड्स हैं, आपके सिर्फ वो ए लेवल्स की मिनिमम ग्रेड्स रिक्वायरमेंट देखेंगे. सो अज्यूम कर लीजिए कि ओ लेवल्स में अच्छे ग्रेड्स नहीं आए खुदा ना खास्ता, ऐसे चंद बी चंद सी आ गए खुदा ना खास्ता, ए आया ही नहीं, ओके. बट ए लेवल्स में आपने आके मिनिमम रिक्वायरमेंट मीट कर ली, और साथ में आपने टेस्ट बहुत अच्छा किया और हाई कट ऑफ मीट कर लिया, आपका नो क्वेश्चंस आस्क्ड डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा. ठीक है जी, ये बेस्ट बात है आईबीए के एडमिशन प्रोसेस की, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस. दुनिया में ऐसे कम होता है, बट आईबीए फिर ओ लेवल्स ग्रेड को कंसिडर नहीं करता. ओ लेवल्स ग्रेड उस पर कंसिडर होते हैं जब आप हाई कट ऑफ नाम मीट करें बट सेकेंड कट ऑफ मीट करें और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, उस पॉइंट पे वो आपका ओ लेवल ग्रेड्स देखते हैं इंटरव्यू के दौरान. सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस जो कि दूसरी जगहों पे नहीं होता. ठीक है जी, इरफान गो अहेड, सॉरी फॉर कटिंग यू आउट, बट प्लीज गो अहेड. नो इशू. सो जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट बैकग्राउंड के हैं, अगर उनका इंटरमीडिएट में मिनिमम 65% एंड अबव है तो वो बीबीए प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर उनका 60% एंड अबव है तो वो बीएस के सारे प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन आता है, अभी भी किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि भाई अगर मेरी परसेंटेज इससे कम है तो मैं क्या करूँ.
सो अगर आपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए हुए, फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया हुआ है और आपकी फर्स्ट ईयर में 59% है इंटरमीडिएट के अंदर, तो यू कैन स्टिल अप्लाई बिकॉज आईबीएफ फर्स्ट ईयर के मार्क्स को नहीं देखता, सेकंड ईयर की ओवरऑल परसेंटेज को देखता है। अगर आप सेकंड ईयर एग्जाम्स दे दिए और सेकंड ईयर में आपका 60% से कम है, तो फिर अनफॉर्चुनेटली आप आईबीएफ के किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास फिर एक ही ऑप्शन है कि आप अपने पेपर्स की इंप्रूवमेंट दें और अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ाएं और फिर आईबीएफ अप्लाई करें, व्हिच नॉट अ लॉट ऑफ पीपल डू। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा। तो अगर परसेंटेज खुदा ना खासा आपकी नहीं है, तो आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शन यही है कि अपनी परसेंटेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, या अपने ए लेवल्स के अगर कुछ ग्रेड्स खुदा ना खासा पूरे नहीं है तो उनको आप जरा फुलफिल करें। बाय द वे, गैप ईयर अगर बीच में आ जाता है अनफॉर्चुनेटली तो कोई इतना मसला नहीं है। बहुत लोग गैप ईयर लेते हैं और उसमें वो अपने आप को रीवैल्यूएट करते हैं, कुछ स्किल्स डेवलप कर लेते हैं, तो यू कैन डू दैट, इसमें कोई मसले की बात नहीं है और परफेक्टली फाइन है। अगर गैप या खुदा नखास्ता आ गया है, जस्ट यूज दैट टू यू नो इम्प्रूव योर सेल्फ एंड मेक योर सेल्फ अ बेटर कैंडिडेट। ये एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है, ये शॉर्ट टर्म चीजें नहीं है। तो अगर आपको एक साल इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो टेक अ लुक एट इट एज इफ यू आर इम्प्रूविंग योर ओन सेल्फ, यू आर इन्वेस्टिंग इन योर ओन पर्सनैलिटी, तो इट्स परफेक्टली फाइन टू डू दैट। ठीक है जी। In fact, I would say कि रेगुलर बेसिस पर मेरे पास 20-30% स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो सेकंड ईयर ए लेवल या सेकंड ईयर इंटरमीडिएट कर चुके हैं, देन दे प्रिपेयर फॉर द आईबीए टेस्ट। सो जैसा कि सलमान भाई ने मेंशन किया, अगर गैप ईयर है, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट एन इशू। इन फैक्ट यू विल प्रोबेबली हैव अ बेटर चांस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द आईबीए टेस्ट, बिकॉज आपका फोकस सिर्फ उसी के ऊपर होगा। एंड अगर आप साथ साथ अपनी इंग्लिश एंड मैथ स्किल्स पे वर्क करते हैं, तो इंशाल्लाह होपफुली या तो आप टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर ले आएंगे और इंटरव्यू आपका एग्जाम को जाएगा। अगर नहीं भी होता और इंटरव्यू कॉल आती भी है, तो इंशाल्लाह आप अपनी अगर स्पीकिंग स्किल्स साथ साथ इंप्रूव करते रहें, तो दी इंटरव्यू शुड नॉट बी एन इशू। Absolutely, absolutely. अच्छा जी, ये requirements हो गए जी। ये cutoffs का सवाल पूछा जा रहा है कि जी cutoffs क्या होंगे, और fee structure पूछा जा रहा है कि जी IB का fee structure क्या है। fee structure के बारे में हम towards later आते हैं। test preparation के बारे में guide कर दें, अभी वहाँ पे आ जाते हैं। और what is the higher cutoff, ये मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। और अब हम आते हैं जी IBA के graduate programs requirement। तो अगर आप MBA या MS के लिए apply करना चाहते हैं, तो 16 years of education की requirement है IBA की तरफ से, यानी कि आपका 12 years up till intermediate या A-levels and then 4 years of bachelor's, तो 16 साल वो हो गए, और फिर अब आप जो है वो IBA के लिए eligible हैं apply करने के लिए for MBA या MS program। आप क्या मिनिमम, अगर तो जो बैचलर्स किया हुआ है उसमें आपका मिनिमम अगर परसेंटेज वाइज है तो 60% होना चाहिए, अगर जीपीए वाला है तो 2.5 मिनिमम जीपीए होना चाहिए। और उसके अलावा आपका, अगर आप आईबीए का टेस्ट नहीं देना चाहते, आईबीए का टेस्ट दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते तो जीमैट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आपका स्कोर 600 मिनिमम आउट ऑफ 800 होना चाहिए, जिसमें इंग्लिश मैथ का कट ऑफ आईबीए ने नहीं दिया हुआ और उस वजह से आपका बस टोटल 600 आ जाए कम से कम, तो काफी है। दे डोंट केयर कि आपका मैथ ज्यादा अच्छा गया या आपका इंग्लिश ज्यादा अच्छा गया। सो रॉ स्कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है जीमैट का स्कोर, तो 600 आ जाए कम से कम, दैट्स वेरी गुड। जीआरई ऑन द अदर हैंड अगर आप देते हैं, तो वो कहते हैं जी जीआरई के अंदर ब्रेकअप यू होना चाहिए कि कम से कम मैथ में 160 होना चाहिए या वर्बल में 150 होना चाहिए। जीमैट जीआरई दो डिफरेंट टेस्ट हैं, दोनों इंटरनेशनल टेस्ट हैं, आप यूनिवर्सिटीज अब्रॉड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं थ्रू जीमैट जीआरई। सो आईबीए कहता है कि जी आप ये टेस्ट भी दे सकते हैं या तो अपना टेस्ट ले लें, तो ज्यादातर लोग जो है वो आईबीए का अपना टेस्ट कर लेते हैं बिकॉज इट्स चीपर, यू नो आप वहीं पर लोकली बैठ के ट्राई कर लिया, दैट्स फाइन। अच्छा जी, अगर आपका एम बी ए एग्जीक्यूटिव में प्रोग्राम में अप्लाई करने का इरादा है, तो 3 साल का कम से कम वो एक्सपीरियंस चाहिए आपको, जिसके बगैर आपको एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एडमिशन नहीं मिलता। ठीक है जी, ये हमारी सिचुएशन हो गई है जनाब। अच्छा जी चलें, इस पे इरफान, आज AI के बारे में बहुत सवाल आ रहे हैं जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में काफी सवाल आ रहे हैं लोगों को, बहुत जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जाने का बन रहा है। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, ग्रेट, उस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इरफान, आई वांट यू टू टॉक अबाउट द एप्टीट्यूड टेस्ट, ये प्लीज बताइए जी कि एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है और किस तरह से इसका प्रोसेस होता है। So, IBA, once you fill out the IBA form, step number one ये है कि आप IBA का aptitude test देते हैं। IBA का जब आप aptitude test देते हैं, उसका test format हम आगे discuss करेंगे, तो IBA पहले से उसके cut-off scores announce नहीं करता, बल्कि IBA आपके tests को check करता है, उन tests को grade करने के बाद उन scores को arrange करता है descending order में from highest to lowest, और फिर IBA decide करता है कि जी ये cut-offs होने चाहिए, और वो cut-offs based होते हैं on the number of seats that IBA has for each program.
अच्छा, अब ये जो कट ऑफ्स हैं इसमें आईबीए दो तरह के कट ऑफ्स अनाउंस करता है। एक हायर कट ऑफ होता है जो डायरेक्ट एडमिशन वालों के लिए होता है, एक स्लाइटली लोअर कट ऑफ होता है जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए होता है हु हैव क्लियर्ड द टेस्ट बट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। सो जो स्टूडेंट ये दोनों कट ऑफ्स नहीं मीट कर रहा वो तो ऑब्वियसली आईबीए का टेस्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं पास कर पाया, लेकिन जो स्टूडेंट लोअर कट ऑफ मीट कर रहा है उसका टेस्ट पास हो गया और आईबीए उसको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। जो स्टूडेंट बिल्कुल हाई कट ऑफ मीट कर गया आईबीए उसको डायरेक्ट एडमिशन दे देगा, जैसे कि सलमान भाई ने बताया नो क्वेश्चंस आस्क, उसका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, बस ही हैज टू मेक श्योर कि वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे एक छोटी सी बात बता दूं कि ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स ये देखा गया है कि आईबीए ने अपने इंटरव्यू का रिजेक्शन रेट काफी बढ़ाया है। सो आईबीए अब अपने इंटरव्यू में 30-40%, इन सम केसेस इवन 50% स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में रिजेक्ट करता है। दैट इज व्हाई दो स्टूडेंट्स हु क्लियर द टेस्ट बट हैव बीन कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू हैव टू मेक श्योर कि वो इंटरव्यू की बहुत थॉरो प्रेपरेशन करें, जो कि इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम के अंदर करवाएंगे। बिल्कुल। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आप अगर टेस्ट स्कोर अच्छा ले आते हैं तो आपको बगैर इंटरव्यू के एडमिशन मिल जाता है, विच इज़ द बेस्ट थिंग। और उसमें दे डोंट इवन माइंड इफ यू डोंट हैव वेरी गुड ग्रेड्स इन योर ओ लेवल्स और योर मेट्रिक, एज लॉन्ग एज आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती है। दिस इज आई थिंक अ ग्रेट थिंग दैट आईबीए हैज के आप कि टेस्ट परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड हो जाए तो यू गेट एन अपॉर्चुनिटी दैट नॉट अ लॉट ऑफ अदर प्लेसेस माइट गिव यू। सो द टेस्ट इज रियली रियली इम्पोर्टेंट। ओके अच्छा जी। और एंड द अदर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये जो डायरेक्ट एडमिशन है और जो इंटरव्यू वाला जो स्कोर है इसमें कोई ज्यादा फर्क भी नहीं होता है, यानी कि 2 या 3 क्वेश्चन के मार्जिन से आप जो है ना वो इंटरव्यू वाले उस पे कट ऑफ पे पहुंच से बढ़ के आप वहां पहुंच जाते हैं अपने डायरेक्ट एडमिशन वाले उसके ऊपर कट ऑफ के ऊपर। सो फॉर एग्जांपल अभी आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर ईयर में अगर कट ऑफ था फॉर इंटरव्यूज लेट्स से 180 180 पॉइंट्स, तो जो डायरेक्ट एडमिशन का कट ऑफ था वो 190 था या 192 था। सो दैट्स अ मार्जिन ऑफ 3 क्वेश्चंस ओनली, राइट? सो इंसान तैयारी कर ले तो अगर आपने बगैर तैयारी के अगर आप इंटरव्यू वाला कट ऑफ मीट करने की कैपेसिटी में थे तो अगर आप थोड़ी सी भी तैयारी कर लेंगे तो आप पहुंच जाएंगे टुवर्ड्स द हायर कट ऑफ जहां पर डायरेक्ट बगैर इंटरव्यू के एडमिशन हो जाएगा। ठीक है जी। सो सामिया पूछ रही है सर इज दिस बीइंग रिकॉर्डेड, कैन वी वॉच इट लेटर, फेसबुक पे लाइव जा रहा है तो यस इट विल बी अवेलेबल इंशाल्लाह लेटर एज वेल। सो दैट इट्स गोइंग टू बी देयर, और अगर आप कहेंगे तो हम आपको इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा जी, तो ये तो इरफान ने बता दिया टेस्ट के बारे में। अच्छा जी, आईबीए का जो एडमिशन टेस्ट है इसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है? पहली बात तो ये कि इट्स एन एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट, आपको हर सवाल के मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस मिलते हैं, आपने ए बी सी डी ई मार्क करना होता है। 2 सेक्शंस होते हैं जी, मैथ एंड वर्बल सेक्शन। मैथ्स का जो है उसकी टाइमिंग अलग होती है, वर्बल की टाइमिंग अलग होती है। कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते, विच मीन्स कि आपको सारी कैलकुलेशन बगैर कैलकुलेटर के मेंटली या विद अ पीस ऑफ पेपर एंड पेन करना होता है या पेंसिल करना होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हमारे जमाने में नेगेटिव मार्किंग होती थी, अगर आप अटेम्प्ट करें क्वेश्चन गलत कर लें तो मार्क्स कट जाते थे। पिछले चंद सालों से आईबीए नेगेटिव मार्किंग खत्म कर दी है, विच मीन्स के अब आपके पास सवाल अगर आपको नहीं भी आता तो आप एक रैंडम गैस कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर 10 सवाल हैं जो आपको नहीं आते तो आपने रैंडम गैस कर लिया, उसमें से आपके 2 3 4 कुछ भी ठीक हो गए तो आपको उसके पॉइंट्स मिल जाएंगे। आईबीए डज नॉट लुक एट द वर्किंग, देर इज नो मार्क, देर आर नो मार्क्स फॉर वर्किंग। सो इट डजेंट मैटर कि आपने कुछ भी वर्किंग ना की हो, आपने सारे क्वेश्चंस मेंटली सॉल्व कर लिए, फाइन, दैट्स परफेक्टली फाइन। इरफान वर्बल और क्वांट के बारे में बताना चाहेंगे कि जी क्या ब्रेकअप है इनका? हाँ, चूंकि आईबीए अब सैंपल टेस्ट स्टूडेंट्स को नहीं प्रोवाइड करता तो ये फिक्स नहीं है कि आईबीए कितने क्वेश्चंस देगा, बट जब आप आईबीए के पास पेपर्स को और रीसेंट टेस्ट को एग्जामिन करते हैं तो यू कैन सी कि जी एक प्रिटी रेपिटेटिव पैटर्न है, और वो रेपिटेटिव पैटर्न ये है कि इंग्लिश में यूजुअली 45-50 क्वेश्चंस होते हैं, मोस्टली 45 क्वेश्चंस होते हैं, एंड सिमिलरली मैथ सेक्शन में भी मोस्टली 45 क्वेश्चंस होते हैं। यूजुअली जी इंग्लिश क्वेश्चंस आई में यू गेट डोंट नो व्हाई दे स्टक एट 45 या 40 कर लेते हैं 50 कर लेते हैं, बट आई फॉर सम ऑड रीजन दे लाइक 45, सो दे हैव बीन एट 45 फॉर क्वाइट सम टाइम। आई हैव आई आई डोंट नो व्हाई, आईड लाइक टू नो व्हाट द लॉजिक इज, दो खैर इन एनी केस गो अहेड।
इंग्लिश में यूजुअली यू हैव अबाउट 1 मिनट पर क्वेश्चन, बट वंस अगेन वो डिपेंड करता है कि किस तरह के सवाल हैं, यानी कि अगर टेस्ट में वोकैबुलरी के सवाल ज्यादा आ जाएंगे तो प्रॉबेबली कम टाइम मिलेगा, लेकिन अगर टेस्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवाल ज्यादा आ जाएंगे तो प्रॉबेबली ज्यादा टाइम मिलेगा। सो आजकल जनरली पोएट्री भी आ आंसर रही है, यस आपको मालूम है जी, आपने पोएट्री पढ़नी है, आपने पोएट्री को एवेल्युएट करना है जी, वर्ड्सवर्थ की पोएट्री आ गई थी तो इंटरेस्टिंग पोएट्री आना शुरू हो गई है अभी बिजनेस कॉलेज के टेस्ट में, व्हिच आई फाइंड वेरी वियर्ड, बट खैर शौक है जी आइए जी। सोशल साइंसेस जब से ऐड हुआ है तब से पोएट्री आना शुरू हो गई है, तो ये सोशल साइंसेस की वजह से हुआ है आई गेस, आई एम अज्यूमिंग दैट। खैर इन एनी केस, अच्छा हाँ जी, सो ये आपने बताने हैं कि जी ये हमारे मेन एरियाज हैं इंग्लिश के और मैथ के, राइट? सो इंग्लिश में वोकैबुलरी है, सेंटेंस कंप्लीशंस है, सेंटेंस करेक्शंस हैं, क्लोज्ड पैसेजेस हैं, क्लोज विद अ जी है, ये स्पेलिंग एरर नहीं है, ये क्लोज विद अ जी है, अ सर्टेन काइंड ऑफ पैसेज दैट अकर्स इन द आईबीए टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मेमोरी बेस्ड तो खैर अब नहीं आता, नॉन मेमोरी बेस्ड ही आता है, डायरेक्टली पैसेज सामने मौजूद होता है, आपने उसको पढ़ के उसके सवालों के जवाब देने होते हैं, मेमोरी बेस्ड तो खैर पहले आया करता था पुराने जमाने में, हमारे जमाने की बात है जी, और तो नॉन मेमोरी बेस्ड है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, पोएट्री, एनालॉजीज एंड क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग ज्यादातर मास्टर्स के टेस्ट में आता है, बैचलर्स के टेस्ट में क्रिटिकल रीजनिंग नजर नहीं आता, बट क्योंकि अब सैट में आ रहा है तो हो सकता है भी उसके पास अपने पास शामिल करना शुरू कर दे क्रिटिकल रीजनिंग को भी। मैथ्स, इरफान, व्हाई डोंट यू टेल देम अबाउट मैथ्स? मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देर इज नो कैलकुलेटर इन द टेस्ट। सो जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जी सैट से सिमिलर है, पहला डिफरेंस तो यही है कि सैट में कैलकुलेटर अलाउड है, आईबीए में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। आईबीए बिल्कुल के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मेंटल मैथ का या क्विक कैलकुलेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इसी वजह से स्टूडेंट्स को कुछ बेसिक शॉर्टकट्स और कुछ बेसिक कैलकुलेशंस याद होनी चाहिए। और उसके अलावा टेस्ट में मेंटल मैथ के और सीरीज के थोड़े बहुत सवाल आते हैं, बहुत ही मिनिमल अरिथमेटिक के सवाल आते हैं, एल्जेब्रा हो, एवरेजेस हो गया, परसेंटेजेस हो गया, रेशियोज हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग के सवाल आते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज प्रॉबली वन ऑफ द बिगेस्ट एरियाज इन द आईबीए टेस्ट, इसको जहन में रखें, इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और इसके सवाल कुछ केसेज में लेंदी भी होते हैं, कुछ केसेज में लॉजिक वर्ड प्रॉब्लम आते हैं जो काफ़ी चैलेंजिंग भी हो सकते हैं। बिल्कुल एल्जेब्रा भी आईबीए के टेस्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उसमें एल्जेब्रा चूंकि एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ मैथ है तो उसको काफ़ी डिटेल में कवर करना आपको पसंद भी बेहतर बहुत रहेगा। है, कुछ ज्यादा ही शौक है आपको एल्जेब्रा सॉल्व करने का आपका फेवरेट एरिया है एल्जेब्रा जी। जी जी बताइए बताइए एल्जेब्रा के बारे में। उसके बाद ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री भी आईबीए के टेस्ट में आता है, इसके अंदर 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है। और फिर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आईबीए के टेस्ट में सिर्फ जनरल मैथ नहीं है बल्कि कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिसे हम एडवांस्ड मैथ की कैटेगरी में यूजुअली शामिल करते हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो स्टूडेंट्स अगर ओ लेवल एड मैथ या ए लेवल मैथ ना पढ़ें तो जनरली इन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते। तो मतलब हुआ कि जिन स्टूडेंट्स का प्री मेडिकल बैकग्राउंड है या कॉमर्स बैकग्राउंड है वो शायद इन टॉपिक्स के साथ बहुत फेमिलियर ना हो, बट दैट्स नॉट अ मेजर कंसर्न, बिकॉज बिकॉज जब आप आईबीए की प्रेपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सारे एरियाज बहुत डिटेल में कवर करवाए जाएंगे, क्विकली अच्छा अगर इंटरेस्टिंग प्रिपरेशन बात कर यह लें। है इरफान, क्या जब हमने इवेलुएट किया, आप मैंने और आपने बैठ के और नुमान ने, हम सबने जब ये टेस्ट किए, जो हर साल जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी रिक्रिएशंस भी देखते हैं और पास पेपर्स जो आईबीए पब्लिश करता है उनको भी स्टडी करते हैं, अनफॉर्चुनेटली आईबीए किसी साल कोई टॉपिक ज्यादा टेस्ट कर लेता है, किसी साल कोई टॉपिक ज्यादा टेस्ट कर लेता है, कंसिस्टेंसी हमें नजर नहीं आती। यानी कि अगर आप इंटरनेशनल टेस्ट की बात करते हैं, सैट हो गया, जीमैट हो गया, जीआरई हो गया, सो जीमैट फॉर एग्जांपल आई नो कि यार अगर 37 क्वेश्चंस हैं मैथ के, अब तो खैर फॉर्मेट और चेंज हो गया, बट 37 क्वेश्चंस हैं मैथ के, तो उसमें फिर ज्योमेट्री जो है वो 6 सवाल होंगे, 5 या 6 सवाल होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, बट आईबीए के टेस्ट में किसी साल ज्योमेट्री भर के आ जाएगा, किसी साल ज्योमेट्री गायब हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी आपको याद होगा, एक एक साल ऐसा था जिसमें मेट्रिसीज भर के बहुत आ गए थे, याद होगा कोई पर्टिकुलर एमबीए का टेस्ट था जिसमें उस साल पता नहीं क्या हुआ, उस साल मेट्रिसीज ही मेट्रिसीज आना शुरू हो गया, हर सवाल मेट्रिसीज। एग्जैक्टली, मतलब वियर्ड, अनफॉर्चुनेटली ये वेरिएशन बहुत आती है क्योंकि उनका, आई बिलीव उनका जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट है उसमें जो लोग जिम्मेदार हैं टेस्ट बनाने के, वो कंसिस्टेंटली सेम नहीं रहते, वो हर साल चेंज हो जाते हैं, तो जब कोई नया शख्स आता है तो अपने हिसाब से वो कुछ वेरिएशन लेके आ जाता है। तो एक साल ऐसा था इरफान, आपको याद होगा, जिसमें परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस ज्यादा आया था और प्रोबेबिलिटी बहुत आ गया था, तो आई एम अज्यूमिंग जिस साल में टेस्ट बनाया था उनको शौक होगा परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस का, स्टेटिस्टिक्स का, तो उन्होंने उस साल भर दिया। कुछ सालों में हम देखते हैं फंक्शंस बहुत ज्यादा आ जाता है, सो इट दिस वेरीज, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वन कैन नॉट रियली प्रिडिक्ट। सो कई दफा लोग जब सवाल पूछते हैं कि सर इस साल क्या आएगा,
तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह को मालूम क्या आएगा, बट हम पिछले सालों का ट्रेंड देख ही बता सकते हैं कि यार पिछले 4-5 सालों में ज्यादातर चीजें क्या आई थी, उसके हिसाब से वी कैन ट्राई टू प्रेडिक्ट कि यार इस साल क्या आएगा. सो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, बट सम टॉपिक्स आर ऑब्वियसली मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स. हम देख सकते हैं कि अलजेब्रा डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री भी यूजफुल है, परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस प्रोबेबिलिटी भी काफी रेगुलरली टेस्ट होता है, फंक्शंस तो बहुत रेगुलरली टेस्ट होता है. और एक पर्टिकुलर साल था जिसमें इरफान आपको याद होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस बहुत ज्यादा आया था, जिसमें बहुत आई थिंक ज्यादा आया पांच था सवाल आ गया था. और काफी रेगुलरली आते थे, लेकिन अब रीसेंट पेपर्स में देखते हैं कि जी इसके सवाल बहुत मिनिमल आ रहे हैं। जी बिल्कुल. और जिस साल आया था उस दिन जो उस साल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सवाल भी बहुत लंबे चौड़े डिफिकल्ट लेंथी लेंथी सवाल आ गए थे, व्हिच वाज रिडिकुलस बिकॉज़ आई मीन नोबडी हैज टाइम टू डू दोस क्वेश्चंस. इन मतलब आप एक सवाल में 5 मिनट नहीं लगा सकते ना, आप इतना टाइम तो आपके पास किसी के पास नहीं होता, राइट? इट्स अ वेरी हाई प्राइस टू पे फॉर अ क्वेश्चन. सो अनफॉर्चुनेटली वो सवाल डालने का फायदा ही नहीं होता. हमारी एडवाइस आईबीए को भी यही है कि यार एक बैलेंस टेस्ट बनाएं, ख्याल रखें कि जी कितने क्वेश्चंस हैं, एक राइट अमाउंट ऑफ चैलेंज होना चाहिए. ऐसा नहीं कि जी वो एक वो ना सारे लोग पर तुक्के मार रहे हो बैठ के, तो फिर फायदा ही नहीं, वो टेस्ट का मजा खत्म हो जाता है. अच्छा जी बिल्कुल चलें, अब हमारे ये कट ऑफ्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. जी आईबीए के जो कट ऑफ का रूल है बड़ा सिंपल सा है, आपके पास 3 कट ऑफ्स मीट करने होते हैं आपने, पहला मैथ का और दूसरा इंग्लिश का और फिर तीसरा टोटल कट ऑफ. टोटल कट ऑफ 2 होते हैं, एक लोअर कट ऑफ जिसको अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपका इंटरव्यू में नाम आ जाता है, आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, और एक हायर कट ऑफ जो कि लोअर कट ऑफ से तकरीबन 2 से 3 सवाल का फर्क होता है, यानी कि 8 से 12 मार्क्स का फर्क होता है. अगर आपने वो मीट कर लिया तो आपको डायरेक्ट एडमिशन ऑफर हो जाता है. देन यू जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट यू फुलफिल द ग्रेड रिक्वायरमेंट. बाय द वे याद रखें हर सवाल के 4 मार्क्स हैं, सो व्हेन द कट ऑफ इज 92 दैट मींस के 23 क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए, राइट? 23 टाइम्स 4 इज 92. सो अगर आपके 23 क्वेश्चंस ठीक होंगे तो आप 92 का कट ऑफ मीट कर लेंगे इन मैथ, 92 इन वर्बल. बाय द वे ये कट ऑफ हर साल वेरी करता है, ये हम आपको जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये 2023 बीबीए राउंड 1 के कट ऑफ है. सो क्योंकि अभी हम राउंड 1 की तैयारी करने जा रहे हैं तो लास्ट ईयर राउंड 1 से कंपेयर कर रहे हैं, तो राउंड 1 लास्ट ईयर में कट ऑफ जो था वो 92 मैथ में था, 92 वर्बल में था, 212 अगर रीच किया तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती थी, अगर उससे कम है तो सॉरी ट्राई अगेन. ठीक है जी, 212 मीट किया लास्ट ईयर राउंड 1 में तो इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई, और 220 मीट कर लिया तो इंटरव्यू एग्जाम. अब आप सिर्फ रिजल्ट सबमिट करें, कोई इंटरव्यू नहीं होगा. अगर रिजल्ट्स फुल आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है तो आपका एडमिशन हो जाएगा. सो एज आई टोल्ड यू इट्स अ वंडरफुल प्रोसेस, राइट? यू नो वेरी क्लियरली हो गया नहीं हो गया, बड़ा आसान है, इट डजंट टेक दैट लॉन्ग. ओके जी बिल्कुल जी, इरफान, ये जो बिल्कुल बॉटम पे जो सिनेरियोज आपने लिखे हुए बताना पसंद करेंगे इनके बारे में? बता देता हूँ, बट एक छोटी सी चीज आपकी आपकी बातों में ऐड कर दूं कि जो स्टूडेंट 216 स्कोर करता है उसको जी आईबीए इंटरव्यू बुला रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट एक सवाल और सही कर दे, 220 स्कोर कर दे, उसको आईबीए डायरेक्ट एडमिशन दे देगा। सो इंटरव्यू और डायरेक्ट एडमिशन के दरमियान, जैसे कि सलमान भाई ने बताया, सिर्फ 8 मार्क्स का, यानी कि सिर्फ 2 सवालों का डिफरेंस है। इसीलिए बिल्कुल हम रेगुलर बेसिस पे स्टूडेंट्स को कहते हैं, आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ, कि प्रिपरेशन दिल लगा के करें एंड कोशिश करें कि अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करें ताकि आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाए। और आईबीए बहुत सारे स्टूडेंट्स को डायरेक्ट एडमिशन देता है। इस पर हम अग्री या डिसएग्री कर सकते हैं कि पॉलिसी सही है या नहीं, बट जब तक है उसका आप एडवांटेज उठाएं कि आप डायरेक्ट एडमिशन को टारगेट करें ताकि आपको इंटरव्यू की हैसल से बचा लिया जाए। अच्छा, अब नीचे जो चीज़ एक्सप्लेन की गई है वहाँ पे सिंपली एक छोटी सी बात समझाने की कोशिश की गई है कि आईबीए के अगर आप मैथ, इंग्लिश एंड टोटल कट ऑफ्स को देखें तो मैथ और इंग्लिश के कट ऑफ्स को अगर आप ऐड करते हैं तो वो टोटल कट ऑफ के बराबर नहीं होता। आईबीए हमेशा ये करता है कि आईबीए मैथ और इंग्लिश के कट ऑफ्स को ऐड करने के बाद उसमें कुशन ऐड करता है और फिर टोटल कट ऑफ अनाउंस करता है। बिल्कुल ये बात समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी हमारी मैथ बहुत अच्छी है और हम मैथ को मैक्सिमाइज कर लेंगे। अगर वो मैथ को मैक्सिमाइज कर लेते हैं, स्टूडेंट ए का केस देख लें कि जी उसने मैथ में फुल मार्क्स ले लिए, 45 क्वेश्चन से सारे सही कर लिए, उसका स्कोर आ गया मैथ में 180, लेकिन इंग्लिश में उसका स्कोर आया 88, तो उसका टोटल स्कोर बहुत हाई है 268, लेकिन इंग्लिश में चूंकि उसका स्कोर 88 है तो वो इंग्लिश के कट ऑफ में फेल हो गया और एडमिशन लेने के लिए तीनों कट ऑफ पास करना जरूरी है। सिमिलरली एक दूसरा स्टूडेंट है जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उसने इंग्लिश के स्कोर को मैक्सिमाइज कर लिया लेकिन मैथ में उसका स्कोर 88 आया तो वो भी टोटल कट ऑफ नहीं, टोटल कट ऑफ तो वो पास कर जाएगा
इंग्लिश का कट ऑफ भी पास कर जाएगा, बट चूंकि वो मैथ का कट ऑफ पास नहीं कर रहा तो वो भी फेल हो जाएगा। यानी कि ये जो पहली दो एग्जांपल्स हैं वो ये शो कर रही हैं कि अगर आप सिर्फ एक एरिया में स्ट्रांग है और दूसरे एरिया में स्ट्रांग नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर द टेस्ट। जो तीसरी एग्जाम्पल है स्टूडेंट सी वाली, वो ये शो कर रही है कि अगर कोई स्टूडेंट दोनों कट ऑफ को जस्ट पास करता है, यानी कि वो स्टूडेंट मैथ में 100 स्कोर लेके आता है मैथ के कट ऑफ से थोड़ा ऊपर, और इंग्लिश का स्कोर 100 लेके आता है इंग्लिश के कट ऑफ से थोड़ा ऊपर, तो उसका टोटल स्कोर बनेगा 200, वो टोटल कट ऑफ में फेल हो जाएगा। आपने ये बात जहन में रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात कि सिर्फ एक सेक्शन में स्ट्रांग होके आपका टेस्ट पास नहीं होगा, दोनों सेक्शन में अच्छा करना है। दूसरी बात यह कि अगर दोनों सेक्शंस को आप जस्ट पास करेंगे तो आप टोटल कट ऑफ को मीट नहीं कर पाएंगे। ये बात मेजॉरिटी स्टूडेंट्स नहीं समझते। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो 200 स्कोर है, इस स्कोर पे इस साल आपका किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन नहीं हो रहा था। ये बीबीए का कट ऑफ तो हाईएस्ट होता है, बाकी का प्रोग्राम्स के कट ऑफ तो इससे लोअर होते हैं, लेकिन 200 के स्कोर पे किसी भी प्रोग्राम में आपका एडमिशन नहीं मीट हो रहा था। राइट, एग्जैक्टली। मैं स्टूडेंट से यही कहता हूँ कि भाई अगर आपने अपना जो एडमिशन है उसके चांसेस मैक्सिमाइज करने हैं तो आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस इन द मैथ एंड द 45 क्वेश्चंस इन द वर्बल, योर टारगेट शुड बी अराउंड 35 कम से कम। दैट वे यू कैन फील कंफर्टेबल कि यार इंशाल्लाह मेरा एडमिशन हो जाएगा। बट 30 तो कहीं नहीं गया, कम से कम 30 इन ईच सेक्शन तो होना ही चाहिए। अच्छा जी, सो दैट्स अ वेल एक्सप्लेन्ड आइडिया इरफान, थैंक यू फॉर डूइंग दैट। सैट कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं जी। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं भाइयों और बहनों के IBA के BBA और BS अकाउंटिंग फाइनेंस प्रोग्राम के लिए। मैथ का मिनिमम कट ऑफ 600 सैट में और वर्बल का भी 600 और टोटल 1270। ओके, ये होना जरूरी है टू बी अलाउड एग्जेम्पशन फ्रॉम द IBA टेस्ट। अगर ये स्कोर्स आपके पास मौजूद हैं तो आप IBA को डायरेक्टली कह सकते हैं कि जी ये स्कोर्स लेने, मैं टेस्ट नहीं देना चाहता, मुझे डायरेक्टली बता दीजिए कि मेरा एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ। तो IBA कहेगा ठीक है जी, आपको टेस्ट में बैठने की जरूरत नहीं, अब आप इंतजार कीजिए, जब हम अपना टेस्ट का रिजल्ट पब्लिश करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि जी आपको हम इंटरव्यू के लिए कॉल कर रहे हैं या हम आपको डायरेक्ट एडमिशन ऑफर कर रहे हैं। By the way, 1270 पे डायरेक्ट एडमिशन कभी ऑफर नहीं हुआ IBA के अंदर। आपको भी मैं बता देता हूँ कि पिछले चंद सालों में कट ऑफ्स क्या रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार, हम करीब पहुंच रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट के। BS सोशल साइंसेस, BS इकोनॉमिक्स में के लिए कट ऑफ जो है वो 600 आउट ऑफ 800 मैथ, 600 आउट ऑफ 800 वर्बल एंड टोटल 1200 आउट ऑफ 1600, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं अगेन। और कंप्यूटर साइंस और मैथ और इको एंड मैथ की रिक्वायरमेंट्स भी सामने मौजूद है। मैथ में उनका स्कोर वेरी करता है 670 एंड 640, वर्बल 600 है, टोटल मिनिमम रिक्वायरमेंट 1270 एंड 1240 है। जी इरफान, कुछ ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे आप? नहीं, दैट्स इट। इनफैक्ट बस ये छोटी सी बात जो आपने बताई उसी को रीअफर्म कर देता हूँ कि मेजॉरिटी केसेस में इन स्कोर्स पे आपका डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। डायरेक्ट एडमिशन का यूजुअली थ्रेशहोल्ड सैट के बेसिस पे फिक्स नहीं होता, बट यूजुअली अगर आप एक बेंचमार्क चाह रहे हैं तो 1400 और 1450 के दरमियान होता है, एंड दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी हाई स्कोर। सो और ये बात भी जहन में रखें, आगे जाके सलमान भाई डेटा शो करेंगे, बट या आपने जिक्र किया और ये डेटा आ चुका है जी। मैं थोड़ा सा लीक ये करने जा रहा था कि IBS उन स्टूडेंट्स को जो सैट की बेसिस पे टेस्ट एग्जेम्पशन लेके इंटरव्यू के लिए आते हैं, IBA गिव्स देम अ टफ टाइम इन द इंटरव्यू। यूजुअली सैट की बेसिस पे इंटरव्यू रिजेक्शन ज्यादा होती है बनिस्बत IBA के टेस्ट की, ये एक स्टैटिस्टिक है। अगर यार लोगों को डरा क्यों रहे हैं यार आप? ठीक है, आप कहें जी इंटरव्यू होगा, बस खत्म होगी बात, बेकार में आप लोगों को डरा रहे हैं कि जी आपने सैट के थ्रू जा रहे हैं, तो आप ठीक है जी कॉन्फिडेंस दें, बोले इंशाल्लाह आप क्लियर करेंगे। अच्छा जी चलें, लेट्स लुक एट दी स्कोर्स, कट ऑफ स्कोर्स। ये राउंड वन के कट ऑफ हैं 2023 के, यानी इस साल के। सो राउंड वन में जो कट ऑफ थे वो मैथ, अच्छा ये BBA कट ऑफ हैं बाय द वे, और BBA BS अकाउंटिंग। अच्छा आप देख सकते हैं कि मैथ और इंग्लिश का कट ऑफ जो था वो 92 ईच था, सारे प्रोग्राम्स के लिए था, BBA अकाउंटिंग फाइनेंस, BS इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेस, इसका कट ऑफ था राउंड वन का। और इसमें आप टोटल कट ऑफ अगर 220 आपने मीट कर लिया तो आपका इंटरव्यू एग्जाम हो जाता था, अगर 212 मीट किया तो आपको इंटरव्यू कॉल आ रही थी। तो आपने देखा सिर्फ दो सवालों का फर्क था, BBA में बगैर इंटरव्यू एडमिशन में और इंटरव्यू कॉल में। सो और इंटरव्यू में रिजेक्शन रेट कितना है इरफान, बताइएगा जरा, रिमाइंड कीजिएगा लोगों को। इंटरव्यू में जनरली रिजेक्शन रेट बिटवीन 30-40% है, समटाइम्स इट कैन गो एज हाई एज 50%। 50% यानी कि आधे लोग जो है वो अनफॉर्चूनेटली उनको कहा जाता है कि सॉरी जी बेटर लक नेक्स्ट टाइम, प्लीज ट्राई अगेन, राइट? ऐसा ही है।
पहले ये नहीं हुआ करता था। आपको याद है पहले हमारे आपके जमाने में जब इंटरव्यू प्रोसेस वाज अ कंपलसरी पार्ट ऑफ एवरी एडमिशन, उस जमाने में रिजेक्शन रेट इन इंटरव्यू वाज वेरी लो, हार्डली 10-15% लोगों को जो है रिजेक्ट किया जाता था। मगर अब जो है जितने लोगों को इंटरव्यू कॉल किया जाता है, क्योंकि अब IBA मेजोरिटी एडमिशन बगैर इंटरव्यू के दे देता है, तो वो जो बाकी लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल करता है उसमें से वो आधों को तकरीबन जो है वो एलिमिनेट कर देता है, अनफॉर्चुनेटली उनको नेक्स्ट राउंड कहता है प्लीज ट्राई अगेन। अच्छा जी, तो ये कट ऑफ स्कोर्स मौजूद हैं, 220 का मतलब क्या हुआ इरफान? कितने सवाल हो गए जी टोटल? 55, 55 है ना जी, 55 क्वेश्चंस फॉर BBA, 55 फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। 55 को अगर ब्रेकअप करें तो आप सोचेंगे जी तकरीबन अगर मैथ स्ट्रांग है तो आपको कम से कम 30 करने मैथ में और 25 करने वर्बल में, राइट? 30 and 25, राइट? कम से कम भी, which is not very high if you think about it, you know, I mean it's not impossible to do. I mean 30 math questions, agar aapki math bahut strong hai ya aapne sahi se preparation ki hui hai, to you should be able to do, right? You know, or on the other hand if your verbal is very strong you can do that, right? Yeah, aap sochenge agar 3 se 4000 applicants hain aur sirf 150 students ka round 1 mein direct admission hota hai, to sirf 150 students hi ye score achieve kar pate. That means ki usually test mein time pressure bahut zyada hota hai ya kuch sawal bahut mushkil hote hain jiski basis pe students ye scores achieve nahi kar pate. Absolutely, absolutely. So the biggest issue is that people panic in the test. Okay, they unfortunately don't know how to pace themselves. They get stuck on difficult questions. They waste time. You know, कई दफा लोग blank out हो जाते हैं या stress में होते हैं, रात को नींद सही नहीं भी होती है. Again, all of those things can matter on the test day as well. So बड़ा जरूरी है कि आप लोग तैयारी करते हुए उसका ख्याल करें. Right. दुआ पूछ रही है सर, हाउ विल द वर्बल टेस्ट बी कंडक्टेड इफ द टेस्ट इज एमसीक्यू बेस्ड? बेटा इट्स वर्बल से मुराद जो है वो इंग्लिश है, इट्स नॉट अ वर्बल स्पीकिंग टेस्ट, इट्स एन इंग्लिश टेस्ट बेसिस पे. जिक्र किया था हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, वोकैबुलरी, सेंटेंस कंप्लीशंस, सेंटेंस करेक्शंस, उसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है जी. अच्छा जी, तो ये हमारे कट ऑफ हो गया थ्रू सैट. इन कट ऑफ का जिक्र कर देना चाहिए इरफान, आपने जिक्र किया था कि सैट का कट ऑफ जो है, सो ये जो कट ऑफ है ये आप देख सकते हैं जी, ये 1430 कट ऑफ है फॉर बोथ BBA एंड BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड ऑल्सो BS इकोनॉमिक्स एंड ऑल्सो BS सोशल साइंसेज. सो इफ यू हैड टू गो टू IBA दिस ईयर इन राउंड वन थ्रू द SAT, यू नीड टू हैव अ 1430 स्कोर. Right, so that's a pretty high score, right? So which means that as you mentioned, IBA ka test bhi ek acha option hai us hisab se agar dekha jaye to. Absolutely, jaise maine kaha ki direct admissions ka score usually between 1400 and 1450 hota hai, aur saath mein ek badi interesting cheez aapne yahan pe batai ki jin students ka SAT ke through test exemption hai aur jin students ka SAT ke through direct admission hai, usme kaafi significant gap hai, approximately 150 to 200 points ka gap hai. यानी कि अगर आप SAT के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 200 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लेने. एज कंपेयर टू दैट, अगर आप IBA के टेस्ट में देखें तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपको सिर्फ 8 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लेने बनिस्बत उनके जिनको इंटरव्यू कॉल की जा रही है, यानी कि सिर्फ 2 सवाल एक्स्ट्रा सही करने. सो वंस अगेन इस डेटा को अगर क्विकली समराइज किया जाए तो डायरेक्ट एडमिशन अगर आपने लेना है, इफ दैट इज व्हाट यू आर टारगेटिंग, तो जनरली स्पीकिंग यू हैव अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग अ डायरेक्ट एडमिशन इफ यू अप्लाई थ्रू द IBA एडमिशन टेस्ट. एब्सोल्युटली, बट मैं लोगों को ये भी इनकरेज करता हूँ कि अगर आप SAT देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए और उसकी तैयारी करके दें, बिकॉज SAT में अच्छा स्कोर लाना भी डेफिनेटली पॉसिबल है. और अब SAT का फॉर्मेट जो लास्ट ईयर से चेंज हुआ है, डिजिटल SAT हुआ है, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आ गई हैं. रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो लोगों को बहुत बुरा लगता था, बिकॉज रीडिंग का हमारे मुल्क में किसी को शौक नहीं है, तो अब जो है वो टेस्ट कंपेरेटिवली एक डिफरेंट तरह का टेस्ट हो गया है, इंटरेस्टिंग टेस्ट हो गया है, ज्यादा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गए हैं. यू विल एंजॉय डूइंग दैट नाउ मोर इंशाल्लाह. अच्छा जी, आगे बढ़े क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये सेशन कब तक चलेगा. इरफान क्या ख्याल है, 1 घंटा होने को आ गया है, हम तो 40 मिनट का प्लान. आई थिंक हमें अब 10 मिनट में रैप अप कर देना चाहिए. हाँ बिल्कुल कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे भी आज बहुत सारे सेशंस हैं क्लासेस के जो तकरीबन आधे घंटे में शुरू होने वाले हैं इंशाल्लाह. अच्छा जी, अंडरग्रेड राउंड 2 के कट ऑफ्स क्या थे जी? सो राउंड 2 के कट ऑफ्स जो मौजूद थे वो ये थे जनाब, थ्रू इंटरव्यू. अच्छा, डायरेक्ट एडमिशन 200 पॉइंट्स टोटल चाहिए था, जिसमें मिनिमम इंग्लिश 72 एंड मैथ आल्सो 72, राइट?
और यही थ्रू इंटरव्यू साइड टू इन मैथ साइड टू इन इंग्लिश, बट टोटल जो कट ऑफ चाहिए था फॉर इंटरव्यू के लिए वो 192 था। सो अगर जिसका 192 आ गया उसको इंटरव्यू कॉल आ गई, जिसका 200 आ गया उसको कहा गया कि जी आपका डायरेक्ट एडमिशन हो गया, मुबारक हो, बस रिजल्ट्स प्लीज रिक्वायरमेंट सबमिट कर दें अपनी, फुलफिल कर दें। बाय द वे इरफान, एक पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बताता चलूँ कि आपको तो खैर ये पता ही है, सबको ये बात नहीं पता होती, अगर आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट मीट नहीं हुई तो आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा जी मुझे आप एडमिशन तो दे दें या मेरा एडमिशन होल्ड कर लें, मैं रिजल्ट्स इंप्रूव करके आता हूँ, यू नो नवंबर दिसंबर में वापस रीटेक्स दे के आता हूँ या अगले साल रीटेक्स दे दूंगा। आइडिया सॉरी जी ये इस साल के लिए था और ये इस वक्त के लिए था, रिजल्ट सबमिट अगर अनफॉर्चुनेटली आप नहीं कर सकते जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं तो अब आप नेक्स्ट ईयर फिर अप्लाई कीजिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसका ख्याल रखना जरूरी है। So cutoffs is, अच्छा इरफान ये देखें राउंड वन और राउंड टू में कटऑफ्स का डिफरेंस देखा आपने, 92, 92, 220 और राउंड टू में 72, 72 and 200, ये क्या वजह होगी इरफान, कटऑफ क्यों इतना चेंज हुआ एकदम से राउंड वन वर्सेस राउंड टू? हो सकती हैं, पहली वजह तो बड़ी बड़ी ऑब्वियस है कि जब टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल आता है तो ऑटोमेटिकली कटऑफ गिर जाता है, बिकॉज़ एवरीबॉडी परफॉर्म्स मिजरेबली आई वुड से। जब मुश्किल टेस्ट आएगा हर कोई थोड़ी सी बुरी परफॉर्मेंस देगा तो सबके स्कोर्स गिरेंगे, कट ऑफ स्कोर भी गिर जाएगा। और एक्चुअली ऐसा हुआ भी था कि राउंड टू का जो टेस्ट था वो स्टूडेंट्स को थोड़ा ज्यादा मुश्किल लगा था एज कम्पेयर टू राउंड वन। दूसरी वजह ये सकती है कि विद इन द सेम ईयर भी टेस्ट में वेरिएशन कितनी है ये ले आते हैं, यानी कि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जी जो राउंड टू का टेस्ट है और राउंड वन के टेस्ट से सिमिलर होना चाहिए अगर आपने सेम ईयर में एडमिशन लेना है, बट अनफॉर्चुनेटली राउंड टू का टेस्ट या तो बहुत कंपैरेटिवली आसान हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि कुछ अच्छे स्टूडेंट्स जो अर्ली मूवर्स हैं, जो अर्ली प्रिपरेशन करते हैं, वो ऑटोमेटिकली राउंड वन में कम्पीट कर रहे होते हैं, उनका जब राउंड वन में एडमिशन हो जाता है तो वो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली राउंड टू में दोबारा अप्लाई नहीं करते। जब वो कुछ अच्छे स्टूडेंट्स निकल जाते हैं कॉम्पिटिशन से तो फिर कॉम्पिटिशन पूल थोड़ा सा उसके मुकाबले में लेस कम्पिटिटिव हो जाता है, तो उससे तो कट ऑफ जो है वो बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, IBA टेस्ट वर्सेस SAT टेस्ट, राइट? लेट्स टेक अ लुक एट दिस। ये पिछले 3 साल का डेटा है और इसमें आप देख सकते हैं कि राउंड वन में लेट्स बिगिन विद 2023 बिकॉज वी डोंट हैव टू मच टाइम लेफ्ट। सो अगर आप चाहें तो इस डेटा की एक स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको बाद में रिव्यू भी कर सकते हैं ऑल आवर ऑडियंस। BBA के थ्रू एडमिशन, BBA के एडमिशंस इन 2023 राउंड वन में बगैर सॉरी थ्रू द IBA टेस्ट 124 थे राउंड वन में और थ्रू SAT 71 थे। सो आप देख सकते हैं कि अच्छे खासे लोगों को SAT के थ्रू एडमिशन ऑफर हुआ, 36% वेंट थ्रू SAT इन राउंड वन। ओके, और जैसे इरफान ने कहा कि कई दफा ये होता है कि फिर वो जो दो एक अच्छा पूल है उन्होंने राउंड वन में एडमिशन ले लिया तो राउंड टू में जो है वो यू नो वो बहुत सारे लोग जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है, जिनका इतना अच्छा स्कोर नहीं आता, वो फिर अपनी इंप्रूवमेंट करके लेके आते हैं और वापस टेस्ट में बैठते हैं, वापस SAT के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो राउंड टू में आपने देखा कि एडमिशन ज्यादा ऑफर हुए हैं, टोटल 276 ऑफर हुए कंपेयर टू राउंड वन व्हिच वाज ओनली 195 और उसमें 224 मच बिगर नंबर वाज थ्रू द IBA टेस्ट एंड मच लेसर थ्रू SAT। एंड इसकी जो वजह है वो बहुत सिंपल है, लॉजिकल सी बात है कि SAT जो है वो उसकी डेट्स अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर होती हैं, सो लोगों ने जिन्होंने SAT देना होता है उस टाइम पे दे चुके होते हैं और उन्हें अगर अप्लाई करना होता है तो वो राउंड वन में अप्लाई कर देते हैं। तो जो मेजोरिटी लोग जो SAT के बेसिस पे अप्लाई कर रहे होते हैं वो वैसे ही राउंड वन में अप्लाई कर रहे होते हैं, राउंड टू में कंपैरेटिवली कम नंबर या तो अप्लाई कर रहे होते हैं या उनके स्कोर इतने अच्छे कंपैरेटिवली नहीं होते। बहुत सारे लोग जो बाहर जाने का भी सोच रहे होते हैं वो एज IBA को बैकअप ऑप्शन रख रहे होते हैं, तो वो भी पहले अप्लाई करके अपना एक बैकअप ऑप्शन कंप्लीट कर चुके होते हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। आई थिंक इस पूरे डेटा की हो रही है, आगे भी यही डेटा है। Exactly, यानी कि हम ये देख सकते हैं कि जी 36% इन राउंड वन एंड 19% इन राउंड टू थ्रू द SAT इन द ईयर 2023, दिस इज फॉर द BBA प्रोग्राम, लेट मी हाईलाइट दैट। ओके जी, और BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में भी कुछ ऐसा ही डेटा है, 43% इन राउंड वन एंड ओनली 22% इन राउंड टू, एज यू कैन सी दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग एंड इट सॉर्ट ऑफ इंडिकेट्स कि यार मेजॉरिटी जिन्होंने SAT के थ्रू अप्लाई करना होता है वो राउंड वन में कर लेते हैं। IBA अपनी प्रेफरेंस चेंज नहीं कर लेता, IBA की प्रेफरेंस तो वही है, बट एज यू कैन सी दिस डज वेरी।
इकोनॉमिक्स में इरफान हम देखते हैं कि ऐसा जो है वो थोड़ा सा ये कम है. थ्रू SAT बहुत सारे लोगों ने एडमिशन लिया है BS इकोनॉमिक्स में इस साल राउंड टू में. आप देख सकते हैं 30% वर थ्रू दी SAT कंपेयर टू 34% इन राउंड वन, व्हिच इज मच बेटर देन एटलीस्ट व्हाट वी सॉ फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड BBA. सोशल साइंसेज में SAT वाले लोग काफी कम आए हैं. अभी कांट बी श्योर, IB डज नॉट पब्लिश दिस डेटा कि कितने परसेंट लोगों ने SAT के थ्रू अप्लाई किया था प्रोग्राम में, बट हम सिर्फ ये देख के बता सकते हैं कि जी अच्छा ये जो रिजल्ट आया इसमें हम बता सकते हैं कि कितने परसेंट लोगों को एडमिशन ऑफर हुआ है. सो अगर आप SAT के थ्रू जाना चाहते हैं, कट ऑफ्स आपके सामने मौजूद थे. मैं एक दफा फिर दिखा देता हूँ आपको जो कट ऑफ्स थे. ये कट ऑफ्स हैं जी, ये राउंड टू के कट ऑफ्स हैं और ये राउंड वन के कट ऑफ्स हैं, राइट. ये इनको नोट कर लीजिए, ये आपके लिए यूजफुल रहेंगे टू इंडिकेट यू कि वेदर आपने SAT के थ्रू जाना चाहिए या आपको IBA टेस्ट के थ्रू जाना चाहिए. आपके पास ऑप्शन मौजूद है. यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहेंगे इरफान आप? नहीं, आई थिंक दैट शुड बी वेरी सफिशिएंट। MBA कट ऑफ ये रहे जी. MBA कट ऑफ आप देख सकते हैं कि कंपेयर टू BBA कंपेरेटिवली कम है. जो इंडिविजुअल मैथ और इंग्लिश के कट ऑफ हैं, हाउएवर टोटल कट ऑफ काफी है. और फिर उसके बाद में ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के पॉइंट्स भी हैं. सो आप देख सकते हैं कि 2023 में इंग्लिश मैथ का कट ऑफ वाज ओनली 60 आउट ऑफ 180, व्हिच इज 1/3 बाय द वे, व्हिच इज वेरी लो. इंग्लिश में भी 60 था, बट जो टोटल देखा जाए तो 120 जगह 140 इन्होंने कर दिया था, व्हिच इज स्टिल pretty low, I would say. So, you know, that sort of indicates to you the kinds of people that are applying through the MBA program, through the IBA test. That's why, you know, the scores are not very, very high. But again, you know, we would expect कि आप प्रिपेयर जरूर करें ताकि आप अपने चांसेस को स्ट्रॉन्ग कर लें. सर हफ्सा जिया ने सवाल पूछा है, सर हाउ मेनी मंथ्स डू वी नीड टू प्रिपेयर फॉर राउंड वन और राउंड टू? हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने अपने चांसेस को मैक्सिमाइज करना है तो आप जरूर जो है वो अपनी तैयारी तो फुल कोर्स करें, 3 से 4 महीने का कोर्स करें, जिसकी डिटेल्स अभी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं जी. अच्छा, ये कट ऑफ बताया था हमने आपको, पहले भी जिक्र किया था कि ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए GMAT या GRE थ्रू जाना चाहते हैं तो ये आपको स्कोर्स रिक्वायर्ड हैं. GMAT 600 आउट ऑफ 800, GRE 160, क्वांट 150 वर्बल. दैट्स अबाउट दैट. If you have any questions about GMAT and GRE, please feel free to ask them or you can drop me an email as well and I will respond to you, inshallah. अच्छा जी, स्कॉलरशिप्स, लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स अवेलेबल. आप देख सकते हैं जी, ये दीज आर सम ऑफ द प्रोग्राम्स दैट IBA हैज फॉर स्कॉलरशिप्स. फी का के लोगों ने मुझसे पूछा कि सर प्रोग्राम्स की फीस कितनी होती है. ऑन एवरेज आप ज्यूम कर सकते हैं कि तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए पर सेमेस्टर की आपकी कॉस्ट आती है. साल के तकरीबन 7 से 8 लाख रुपये की कॉस्ट आती है. बट आपके पास स्कॉलरशिप्स के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं. नीड बेस्ड भी हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड भी हैं. इनफैक्ट बहुत सारे अलमनाई हैं जिन्होंने IBA में स्टूडेंट स्पॉन्सर किए हुए हैं और मुझे खुशी है कि मेरा जो अपना बैच है उन्होंने भी जो है वो IBA में अलमनाई प्रोग्राम के थ्रू हमने भी एक स्टूडेंट की फीस को स्पॉन्सर किया हुआ है जो हर साल वो रिन्यू होती है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने और बहुत सारे एलुमनाई ने ये इसको एज अ बेड़ा उठाया हुआ है कि जी हम स्पॉन्सर करेंगे स्टूडेंट्स को, तो जरूर अप्लाई करें. IBA अपनी वेबसाइट पे क्लियरली कहता है कि वी डू नॉट रिजेक्ट एडमिशंस ऑन द बेसिस ऑफ नीड. और IBA का NTHP प्रोग्राम भी है, नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम, जिसके थ्रू अगर आप जाते हैं तो वहां भी आपको स्कॉलरशिप्स मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. एनीथिंग टू ऐड हियर इरफान? क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो फीस स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहे थे, तो IBA की अपनी वेबसाइट पे जो फीस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया हुआ है वो पर क्रेडिट आवर एक्सप्लेन किया हुआ है। सो फॉर ईच क्रेडिट आवर द फीस स्ट्रक्चर फॉर एन अंडरग्रेड प्रोग्राम इज 24,200 रुपीज। अज्यूम कर लेते हैं कि एक सेमेस्टर में एक स्टूडेंट एवरेज 15 क्रेडिट आवर्स देता है तो उसकी फी तकरीबन 3,60,000 रुपये बनेगी। तो जैसे कि आपने बताया कि 3 से 4 लाख अंडरग्रेड की फी होगी आपकी पर सेमेस्टर पर सेमेस्टर, सही है. और इसमें फिर आप एडमिशन फर्स्ट ईयर में चार्जेस ऐड हो जाएंगे, प्लस ऑब्वियसली जो भी इनके एक्स्ट्रा करिकुलर चार्जेस वगैरह वो ऐड कर लेंगे. तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए पर सेमेस्टर आपकी कॉस्ट आएगी. मैंने 12,000 रुपये पर सेमेस्टर के अंदर पढ़ाया IBA में, 12,000 पर सेमेस्टर अल्हम्दुलिल्लाह. तो उस जमाने में बहुत ही चीप था भाई. खैर, आई गॉट लकी और आप आई ये नहीं वॉज बता रहे कि उस जमाने में डॉलर कितने का था?
हाँ, ये भी आपने बहुत एक वैलिड पॉइंट रेज किया, बट क्योंकि इस बारे में डिस्कस करने का टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं बचा तो हम आगे बढ़ जाते हैं जी। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स की पोजीशंस बहुत स्ट्रांग रही हैं। जिस साल मैं आईबीए गया था उस साल आईबीए में 100 लोगों को एडमिशन मिला था अंडरग्रेड प्रोग्राम के अंदर, और उसमें से 45 जो थे वो अनीस हुसैन के स्टूडेंट्स थे, तो वाज एक्सलेंट। दैट ट्रेंड ऑब्वियसली यू नो, अब तो खैर स्टूडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, प्रोग्राम्स बहुत बढ़ गए हैं, कंपटीशन भी ऑब्वियसली हर तरफ से आता है और डिफरेंट डिफरेंट जगहों से आता है, बट अल्लाह का शुक्र है हमारी पोजीशंस अभी तक मेंटेन्ड हैं, अच्छे पोजीशंस हमारी आती हैं, और बाय द वे वेरीफाइड पोजीशंस हैं। आप चाहें तो इनका तस्वीर खींच के इनको आप चेक कर सकते हैं एक्चुअल रिजल्ट्स के थ्रू। बहुत सारे लोग बहुत सारी पोजीशंस और क्लेम करते हैं, आप उनका डेटा भी चेक करें फिर हमारा डेटा भी चेक करें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जी डेटा कहाँ डिपेंडेबल है। ठीक है जी, बट अल्हम्दुलिल्लाह दीज आर एक्चुअल वेरीफाइड पोजीशंस, इनको आप चेक कर सकते हैं। और हमारे प्रोग्राम्स पढ़ाते कौन है जी? ये हम चार भाई हैं, सलमान, इरफान, नोमान, रयान। वी आर ऑल बिजनेस ग्रेजुएट्स। रयान वेंट टू सीबीएम, ही रियली वांटेड टू गो टू सीबीएम, उनको उनको शौक था सीबीएम जाने का। मैंने, इरफान ने और नोमान ने जो है हमने आईबीए से ग्रेजुएट किया है। और नोमान की खास बात ये है, जो ये तीसरे नंबर पे हैं, ये सीएफए क्वालिफाइड भी हैं माशाल्लाह। और इनको फाइनेंस का बहुत शौक है। इनफैक्ट हम तमाम भाइयों में सबसे ज्यादा जो फाइनेंस का शौक और नंबर का शौक है वो नुमान को है। इरफान की अपनी स्ट्रेंथ है, इरफान जो है उनको ज्यादा क्रिएटिविटी उस चीज़ों का शौक है। मैं जो हूँ वो मुझे शौक है मैथ पढ़ाने का और इंग्लिश पढ़ाने का और डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स पढ़ाने का। आजकल मैं लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट पढ़ा रहा हूँ। इरफान आपको बताया था, जिक्र किया था, मुझे कुछ एलसैट के प्रोग्राम्स के बारे में बड़ा शौक हो गया, तो मैं एलसैट पढ़ा रहा हूँ। आई एम डूइंग दोज लॉजिकल गेम्स एंड लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस, आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन विद दोज। और रियान साहब जो हैं वो माशाल्लाह, वो ही रिसेंटली बिकेम अ फादर एंड ही इज आल्सो डूइंग रियली वेल माशाल्लाह। उसके अलावा हमारे साथ और भी लोग हैं बहुत सारे हैं। चंद एक हमारे जो स्टार्स हैं, सुपर स्टार्स हैं, हार्दिक पटेल साहब मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, सैट किया था कई साल पहले, और इंग्लिश अच्छी पढ़ाते हैं माशाल्लाह। ही इज एन इंग्लिश टीचर, बहुत एक्सपीरियंस है 16 साल का, और हमारे साथ माशाल्लाह एक कैंपस भी मैनेज कर रहे हैं, और उसके अलावा इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। बदर अब्दुल रजाक साहब माशाल्लाह जीनियस एट ऑल थिंग्स टेक्निकल एंड वेरी शार्प माइंड, ही लव्स टीचिंग मैथ ऑल्सो बाय वे टीचेस केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ओ लेवल्स ए लेवल्स की, तो वो भी चीजें पढ़ाते हैं, वो भी शौक है उनको। इन्होंने एनईडी से अपना बैचलर्स किया था और अमेरिका से वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था। बिलाल सईद साहब, यू नो क्या बात है जी बिलाल की, इरफान बिलाल के बारे में आपके तो माशाल्लाह बहुत करीबी हैं, बताएंगे आप? बिलाल जो है वो 2007 या 8 में हमारे स्टूडेंट थे नॉर्थ नाजमाबाद कैंपस पे, और फिर उसके बाद से इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। एंड ही इज़ ऑल्सो वर्क फॉर कोका कोला, ही इज़ वर्क फॉर यूनिलीवर, अभी जो है वो कनाडा में रेड बुल के साथ काम कर रहे हैं। माशाल्लाह लॉर्ड माशाल्लाह, इन से हमारे साथ पढ़ाते आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा जी आयशा, अगेन यू नो टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 14 इयर्स, एंड सादिया कामरान 13 इयर्स, माशाल्लाह आल्सो वेरी गुड टीचर्स। एंड एज यू कैन सी नुसर गफार, बाय द वे उनका सरनेम भी गफार है, उसकी वजह ये है कि ये हमारी बड़ी बहन है, शी इज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल ऑफ अस, और ये हमारे पूरे ग्रुप को राउंड ऑफ करती हैं। शी वाज अ ग्रेजुएट ऑफ जैबिस्ट, एंड उनकी खास बात ये है नुसरत की, हमारी बहन की, कि इन्होंने जो जैबिस्ट से पढ़ा तो इनको फुल स्कॉलरशिप पे 4 साल पढ़ा। शी वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट एट जैबिस्ट, 3.9 कोई इनकी जीपीए थी माशाल्लाह, और सारी एज थे सिवाय शायद एक या दो भी आए होंगे तो आए होंगे, 4 साल उन्होंने इस तरह से किया। कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं, कंप्यूटर साइंस का बहुत शौक रखती हैं। शी हैज़ अ फुल टाइम करियर इन द आईटी सेक्टर इन पाकिस्तान, शी इज़ डूइंग वेरी वेल माशाल्लाह। बट मैंने इनको कन्विंस किया हुआ है कि एटलीस्ट आपने कुछ ना कुछ पढ़ाना है, तो शी टीचेस विद अस ऑन द वीकेंड, समटाइम्स ऑन द वीक डेज इफ नीड बी, एंड शी इज़ बाय द वे 16 साल का एक्सपीरियंस उनका भी है, तो ऐसा नहीं है कि जी कल पढ़ाना शुरू किया, उन्होंने 16 साल से माशाल्लाह पढ़ा रही है और बहुत अच्छा पढ़ाती है। सो हमारी जो टीम है उसकी खास बात है वो ये है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो कोई किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अभी नहीं हैं, वो प्रोफेशनल टीचर्स हैं, और उस टेस्ट प्रेपरेशन पे उन्होंने सारा फोकस किया हुआ है और अपने आप को डेवलप किया हुआ है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज फील फ्री, आए हमारी क्लासेस को लीजिए और ट्रायल क्लासेस लीजिए। अच्छा जी, ये हमारे फोन नंबर्स हैं, अगर आप चाहें तो एक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास ये रहें। बाय द वे यू कैन ऑलवेज लुक देम अप ऑन द इंटरनेट एज वेल। अच्छा, अब सवाल जो है वो ये है कि अब मैं कुछ सवालों के जवाब दे देता हूँ, हमारे पास 4-5 मिनट ही बाकी हैं, देन वी डू हैव टू सॉर्ट ऑफ रैप अप बिकॉज आई नीड टू गो एंड जॉइन माय सेशंस एज वेल।
तो आईवी रिजल्ट्स कब तक आते हैं? टेस्ट के विदिन 2 to 3 वीक्स आपका रिजल्ट आ जाता है। आईबीए टेस्ट डेट पहले से बताता है कि जी किस डेट को टेस्ट आना है, रिजल्ट आना है। सो जब जिस दिन आपका टेस्ट होगा उसके 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। कम ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते लगते हैं, उससे कम टाइम में आ जाता है इंशाल्लाह। ठीक है जी। दिलशाद पूछ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैव टू अप्लाई फॉर बोथ राउंड सेपरेटली और द स्टूडेंट्स हु फेल एट राउंड 1 आर सेंट डायरेक्टली टू राउंड 2? नहीं, यू हैव टू अप्लाई टू बोथ बोथ राउंड सेपरेटली। तो आप राउंड 1 के लिए अप्लाई करेंगे, क्लियर हो गया, ग्रेट, नहीं हुआ तो फिर आपको राउंड 2 के लिए वापस अप्लाई करना पड़ेगा और वापस फी पे करनी पड़ेगी टेस्ट की। हफ्साज यह पूछ रही है, सर गाइड अबाउट द फील्ड्स व्हिच आर गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय आईबीए 2024। आप बेसिकली आप प्रोग्राम्स पूछ रही हैं, तो मैंने बताया था शुरू में प्रोग्राम्स जो हमारे अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं आईबीए में। लेट मी क्विकली फाइंड दैट। इरफान डू यू वांट टू हैंडल सम अदर क्वेश्चन इन द मीन टाइम? 7 प्रोग्राम्स हैं, तो वो लिस्ट सलमान भाई आपके सामने फ्लैश कर देते हैं। अच्छा, वैसे ये ओम कुमार के क्वेश्चन का मैं स्पेसिफिक आंसर दे देता हूँ कि यूजुअली आईबीए जो रिजल्ट अनाउंस करता है, वो जो पहला रिजल्ट अनाउंस करता है टेस्ट का, वो यूजुअली विद इन 10 डेज अनाउंस कर देता है, और फिर उसके बाद वो इंटरव्यू लेता है और उसका फाइनल रिजल्ट अनाउंस करने में टोटल प्रोसेस अप्रॉक्सीमेटली 3 वीक्स का लगता है। बिल्कुल सही। हाउ इज द आईबीए टेस्ट डिफरेंट फ्रॉम सैट? आईबीए के टेस्ट में और सैट के टेस्ट में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। मैं कुछ बेसिक डिफरेंसेस लिस्ट डाउन कर देता हूँ। आईबीए के टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, सैट में कैलकुलेटर अलाउड है। आईबीए के टेस्ट में टेस्ट फॉर्मेट फिक्स्ड नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कौन से एरियाज आ सकते हैं कौन से एरियाज नहीं आ सकते, वो फिक्स नहीं है। सैट में फिक्स्ड है कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से एरियाज आएंगे। आईबीए के टेस्ट में डायरेक्ट वोकैबुलरी आती है, सैट में डायरेक्ट वोकैबुलरी नहीं आती। आईबीए के टेस्ट में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आते हैं मैथ के अंदर, जैसे कि फॉर इंस्टेंस हम बात कर लेते हैं मेंटल प्रॉबेबिलिटी की बात कर लें, परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस की बात कर लें, वो सारे टॉपिक्स जो आईबीए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी अब सैट में नहीं आता, तो ये वो टॉपिक्स हैं जो मैथ में आईबीए के टेस्ट में आते हैं बट सैट में नहीं आते। So, काफी डिफरेंसेस हैं, ओवरलैप जरूर है बट इट्स नॉट एब्सोल्युटली द सेम। यानी आप ये नहीं कह सकते कि जी मैंने एसएटी तैयारी कर ली तो मेरा आईबीए टेस्ट तैयार हो गया, राइट? या मैंने आईबीए टेस्ट की तैयारी कर ली तो मेरा एसएटी तैयार हो गया। दोनों टेस्ट में काफी वेरिएशन है। इसका बेस्ट तरीका देखें, बात सुने, सबसे आसान तरीका ये है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट कर लें, राइट? डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप हमारे किसी भी कैंपस आ जाएं और या फोन करके उनसे टाइम सेट कर लीजिए, अपॉइंटमेंट सेट कर लीजिए, आए और बैठ के हमारे पास एक डायग्नोस्टिक टेस्ट कर लें एसएटी का। अंदाजा हो जाएगा आपकी क्या पोजीशन है इस वक्त। आप आपको स्कोर रिपोर्ट बना के देंगे, बाकायदा टॉपिक वाइज क्वेश्चन टाइप बना के देंगे कि जी ये आपने सही सीख किया, ये गलत किया, ये आपका अच्छा है, ये आपका अच्छा नहीं है, यू विल नो एग्जैक्टली वेयर यू वेंट रॉन्ग। ठीक है जी। सो डू दैट, टेक एडवांटेज ऑफ दैट। बाय द वे कोई चार्जेस नहीं है इसके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कम इन एंड डू इट, बट प्लीज बुक एन अपॉइंटमेंट बिफोर यू डू दैट, ताकि स्टाफ आपके लिए जगह रख के आपको बता सके कि इस टाइम पे आ जाइए। अच्छा जी, एक सवाल जो आया वो ये आया कि बीबीए या एसीसी एक एग्जाम्प्ट पेपर्स हो जाते हैं। ये एग्जाम्प्ट उस वक्त होते हैं जब आपने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के थ्रू बीएस किया, वो बीबीए के थ्रू नहीं होते बेटा। सो दैट्स द डिफरेंस। अच्छा जी, सवाल जिन्होंने पूछा था प्रोग्राम्स कौन से हैं, तो ये स्क्रीन पे आपके मैं ले आया हूँ, ये सारे प्रोग्राम्स हैं। एक सवाल ये राशिद मारफानी साहब का कि प्लीज सजेस्ट मोर गुड यूनिवर्सिटीज आईबीए के अलावा। बिजनेस के लिए अगर आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली लम्स नंबर 1 एंड 2, आईबीए एंड लम्स का ये कॉम्पिटिशन चलता रहता है। उसके अलावा सीबीएम इज ग्रेट। कराची के अंदर अगर पूछा जाए केएसबीएल, कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप, मेरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये वो यूनिवर्सिटी बनेगी फ्यूचर में अनकरीब जो कि आईबीए और लम्स को के कंपटीशन देगी। अभी भी ग्रेजुएट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, मास्टर्स प्रोग्राम से ग्रेजुएट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, फैकल्टी स्ट्रांग है। अगर उसी तरह से फोकस ये लोग चलते रहे और डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए तो के एस बी एल इज गोइंग टू बी ब्रिलियंट। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। लोग उसको कंसिडर नहीं करते अनफॉर्चुनेटली, उनको पता नहीं होता, बट आप देखेंगे चंद सालों में के एस बी एल इज गोइंग टू बी राइट अप देयर इंशाल्लाह। मेरा कोई ताल्लुक नहीं बाय द वे के एस बी एल से। आई हैव बीन देयर, आई हैव सीन देयर फैसिलिटीज, आई हैव मेट देयर फैकल्टी मेंबर्स एंड आई थिंक दे आर ब्रिलियंट पीपल वर्किंग ओवर देयर, सो प्लीज लुक एट दैट एज वेल। और उसके अलावा हम जैबिस्ट एज एन ऑप्शन मौजूद है। जैबिस्ट का कैंपस थोड़ा सा इशू है, बट अदर देन दैट यू नो इट्स अ गुड प्लेस टू गो एंड स्टडी एज वेल। काफी लोकेशन वाइज काफी आसान है, सो दैट इज एन ऑप्शन। अगर आप लाहौर वगैरह की तरफ देखना चाहते हैं तो यू नो नस्ट का बिजनेस स्कूल है, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इज बाय द वे क्वाइट गुड एक्चुअली। यू नो जिस तरह से कराची में सीबीएम है, जिस तरह से लाहौर में एलएससी है, बट
उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. सो आई वुड सजेस्ट कि लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को भी देखना चाहिए एज अ बिजनेस स्कूल. और इफ आई एम आई मिसिंग समथिंग इरफान, कोई जहन से मेरी यूनिवर्सिटी निकल तो नहीं रही बिजनेस के लिए? और हमारे पास एनईडी ने भी एक बिजनेस प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ आई बिलीव, और कराची यूनिवर्सिटी का भी अपना एक बिजनेस प्रोग्राम है जो कि आईबीए के बराबर में ही है, कॉमर्स डिपार्टमेंट जो कहलाता है. आई बिलीव आपने सारे अच्छे ऑप्शंस कवर कर लिए. एक एक क्वेश्चन स्टूडेंट का आया है कि भाई व्हेन विल ऑनलाइन क्लासेस फॉर आईबीए स्टार्ट एट नई सुसैन. तो यूजुअली हमारे पास आईबीए की प्रिपरेशन के बैचेस सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में स्टार्ट होते रहते हैं, विच मीन्स हर महीने आपको हर कैंपस पे एक या दो बैचेस मिल जाएंगे. और हमारे पास जितने भी बैचेस प्रिपरेशन के होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर हाइब्रिड बैचेस, विच बेसिकली मींस कि वो क्लासेस ऑन कैंपस भी हो रही होती हैं और वो साथ साथ ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम भी हो रही होती हैं. हमारे सारे स्टूडेंट्स को एक अनीस हुसैन पोर्टल का एक्सेस मिलता है. उस पोर्टल पे सारी क्लासेस हमारी लाइव स्ट्रीम होती हैं. अगर आपने क्लास ऑन कैंपस ली है बट स्टिल आप घर जाके कुछ कॉन्सेप्ट रिव्यू करना चाहते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग पोर्टल पे मौजूद होती है. सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग पोर्टल पे मौजूद होती है और आप उसको रिवाइंड फॉरवर्ड करके अपनी पेस पे चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, और ये जो है ये इसका एडवांटेज ये है कि आपके पास सारा डेटा जो है मौजूद है, जो आपकी क्लास आपने खुदा ना खासा मिस भी कर दी तो आप रिकॉर्डिंग देख के उसको कैचअप कर सकते हैं. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लासेस मिस करा करें जी, क्लासेस टाइम पे लें, रेगुलर बेसिस पे लें, लाइव लें. ये तो एक सिर्फ बैकअप के तौर पर होना चाहिए कि जी मैंने क्लास मिस कर दी तो एटलीस्ट मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, या मुझे कोई चीज़ रिव्यू करनी है तो मेरे पास चीज़ मौजूद है. अच्छा जी, दैट्स इट. कोई और सवाल जी फाइनल करना हो? आखिरी क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि जो है वो आपके जैकेट को देख के लग रहा है कि वहाँ पे सर्दी बहुत है, तो क्या आप हमें सर्दी की सूरत हाल बता सकते हैं वहाँ पे? ये सवाल आया या आप पूछ रहे हैं मुझसे? मैं आपको सवाल कर रहा हूँ. सर्दी हो गई है जी भाईजान, शुरू हो गई है सर्दी, और इट इज कोल्ड. यस, इट वाज वेरी प्लेजेंट लास्ट वीक, बट सिंस यस्टरडे इट हैज बिकम कोल्ड, एंड सो आई नीड टू मेक श्योर दैट यू नो मैं स्वेटर वेटर पहन के बैठूं घर में भी. बट या अल्हम्दुलिल्लाह वेदर इज नाइस, आपको तो मालूम है यहाँ तो चलता रहता है, अब हीटर शुरू होने वाले हैं जी. एक सवाल आया सर, व्हाई डोंट यू कम टू थॉट बिहाइंड थिंग पॉडकास्ट? अच्छा जी, ये उमर सिद्दीक साहब का सवाल है. चलें इस बारे में I'm not very savvy about how these podcasts work, but let's see. Inshallah, Omar, maybe you can guide me and maybe we'll do something about this. Theek hai ji, I would love to hear from you. How do you get in touch with me? Let's see, you want to get in touch with me. Okay, so you can message me on Facebook. Hopefully, I will see that and respond to that. These are our email addresses, mera aur Irfan ka, dono ka main dal diya hai. salman@anisusan.com and irfan@anisusan.com. info@anisusan.com and website maujood hai ji. We are located in Pakistan, in Karachi, but we teach our courses throughout the world. Obviously, ab to Zoom ka zamana hai, to hum throughout the world padhate hain. Main is waqt mulk se bahar hoon, inshallah chand mahino mein wapas aa jaunga, and I will be taking my live classes from there as well. But right now, I'm teaching online along with my other colleagues, Irfan, Noman, Rayan, Badr, Hazik. We're all doing online classes. Aur hamara tareeqakar ye hota hai ki ek teacher pura course nahi padhata, different different sections mein divide kiya jata hai, taaki har aadmi jo hai wo apni expertise ke mutabik us cheez ko handle kar sake, right? So aap chahe to hamare kisi campus ko join karna chahte hain, online join karna chahte hain, completely up to you. Aur hum jo hai will be happy to accommodate you and help you out. Theek hai ji? और जिस तरह मुझसे बात करनी है जी, कोई सवाल पूछना चाहता है, प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप मी एन ईमेल, यू नो सेंड मी योर व्हाट्सएप नंबर, हम बात कर लेंगे. वी कैन डू अ ज़ूम मीटिंग एज़ वेल इफ यू वांट एनी हेल्प. कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आई बी मोर देन हैप्पी टू मीट यू. आई डोंट माइंड, आई लव मीटिंग माई स्टूडेंट्स, आई लव गिविंग माई थॉट्स, माई एक्सपीरियंस, एंड यू नो होपफुली बेनिफिटिंग यू रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू कम स्टडी एट एनी सैन और नॉट, राइट? एंड दिलशाद पूछ रहे जी, Please brief about merit-based scholarships. So, मैंने आपको जिक्र किया था कि ये स्कॉलरशिप की डिटेल्स हैं जो कि आईबीएम में अवेलेबल है. मैं स्क्रीन पे ले आता हूँ, इनको देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आपको इनके लिए अप्लाई करना पड़ेगा डायरेक्टली थ्रू आईबीए. और ये इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जी आपने जीपीए मेंटेन करनी होती है और आपने कुछ रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी होती हैं, उसके बेसिस पर आपको ये मिल सकती हैं. एनटीएचपी का प्रोग्राम है, नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम, उसके लिए अप्लाई कर दीजिए, वो बहुत यूजफुल है. उसमें आईबीए आपको अपने हिसाब से तैयारी भी कराएगा टेस्ट की,
और आपको जो है वो अच्छा बाय द वे आईबीए जो अपने पास से टेस्ट की प्रिपरेशन कराता है उसका आईबीए का अपने टेस्ट से कोई खास ताल्लुक होता नहीं है, वो डिपार्टमेंट डिफरेंट है, ये टेस्टिंग डिपार्टमेंट डिफरेंट है। तो कई लोग ये अज्यूम करते हैं कि जी आईबीए के टेस्ट की तैयारी हम आईबीए से ही करेंगे तो वो हमारी बेहतर तैयारी होगी, ऐसा मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं होता। बहुत फर्क होता है बेस्ड ऑन, बिकॉज वो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे होते हैं वो एक सैलरी पे होते हैं, उनका एक सर्टन प्रोग्राम होता है, एक फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स कंप्लीट करने होते हैं, हमारा डिफरेंस लेवल होता है, हम अपने हिसाब से जितने आवर्स बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हम फुलफिल कर सकते हैं। सो NTHP जरूर अप्लाई करें बट तैयारी भी प्रॉपरली करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच इरफान। कोई और सवाल या हम चलें, बिकॉज वी नीड टू गेट मूव ऑन, यू नीड टू गेट मूव ऑन, आपने भी अभी That जाना should है be एयरपोर्ट it. आई बिलीव। It was a pleasure speaking to all of you. You already have our email addresses. हम अपने कैंपसेस पे भी अवेलेबल होते हैं, हमारा स्टाफ भी अवेलेबल होता है, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं कोई भी कंसर्न हो. आपके व्हाट्सएप ग्रुप भी ऑलरेडी बना लिया गया था सेशन से पहले, वहां पे रीच आउट कर लें एंड वी विल रिस्पॉन्ड टू यू इंशाल्लाह. एक्सेलेंट एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच। एक फाइनल सवाल आया जी, कराची यूनिवर्सिटी का बीबीए प्रोग्राम कैसा है? इट्स अ वेरी गुड बैकअप प्रोग्राम, जरूर अप्लाई कीजिए, और KSBL भी करें, CBM भी करें, ZAVS भी करें, हर जगह अप्लाई करें। मैं लोगों से हमेशा यही कहता हूँ कि हर जगह अप्लाई करें, जब एडमिशन लेटर हाथ में होना फिर फैसला कीजिए कब मैंने कहाँ जाना है। तो आपने अभी से सोच लिया कि जी मैंने अप्लाई नहीं किया, ये बहुत बड़ा मसला है, ये लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बड़ा मसला है कि जी मैंने सिर्फ IBM अप्लाई किया था, कहीं और अप्लाई नहीं किया। अरे भाई क्यों नहीं किया, अप्लाई तो करें ना यार, आपको एक कॉस्ट एक फीस ही जा रही है ना, 3-4 हज़ार रुपये एप्लीकेशन फीस है वो भर दें, इतनी सस्ती सी फीस आपको कहाँ मिलेगी दुनिया में यार, 3-4 हज़ार रुपये में आपने अप्लाई कर दिया। बट अप्लाई करें, ऑफर्स हाथ में ले आए, फिर फैसला करें कि यार मैंने कहाँ जाना है, राइट? अभी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, अप्लाई आपने एक जगह पे किया हुआ है, फिर खुदा ना खास्ता 1 साल वेट करना पड़ा आपको अगले साल एडमिशन के लिए, तो क्या वेट करेंगे? डजंट मेक सेंस ना। सो प्लीज 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 मेरे भाइयों बहनों, हर जगह अप्लाई करो ताकि तुम लोगों के पास ऑप्शन अवेलेबल हो। ठीक है जी, चलें, ओके, टेक केयर गाइस, इंशाल्लाह मुलाकात होगी, हमें ईमेल जरूर ड्रॉप कीजिएगा और हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा हमारे फेसबुक पे, और होपफुली वील डू मोर सेशन लाइक दीज, हमें एडवाइस देते रहे आपको और क्या सेशन सुनने, तो हम आपके लिए और सेशन इस तरह के कंडक्ट कराते रहेंगे। एक चीज हम और जरूर कराते हैं वो ये है कि हमारे साथ कई दफा यूनिवर्सिटीज आती हैं और उनको भी हम लाइव लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं। रिसेंटली आई बिलीव इरफान SKBZ वाले आए थे, नहीं सॉरी DHS सुबह वाले आए थे, DHS सुबह वाले आए थे, उन्होंने एक ऑनलाइन सेशन भी किया था जो सादिया ने कंडक्ट किया था, वो भी मौजूद है, टेक अ लुक एट दैट एज वेल इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट द DHS सुबह यूनिवर्सिटी। टेक केयर, थैंक यू इरफान, टेक केयर, अल्लाह थैंक यू जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज. हाफिज, अल्लाह हाफिज जी।